गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी मुझे जब भी सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चे, आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 15 पे आ चुके हैं। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब्सिडरी बुक्स के बारे में शुरू करा था। तो सब्सिडरी बुक्स हमारी क्या होती है? स्पेशल पर्पस बुक्स होती हैं। जब हम लोगों के ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होने लगते हैं, हमारे बिजनेस का साइज इंक्रीज होने लगता है, तो हम लोगों को अपने जर्नल को कुछ पार्ट्स में सब डिवाइड करना पड़ता है, जिससे कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों ही ट्रांसफर कर सकूं। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने कुछ 8 तरीके की सब्सिडरी बुक्स के बारे में डिस्कशन किया था। एक तो होता था हमारा कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। तो हम लोग इतने पार्ट्स में अपना सब्सिडरी बुक्स का क्या करते थे, डिविजन कर देते थे। तो बच्चे, जिस ऑर्गेनाइजेशन की जैसी नीड्स होती थी उसके अकॉर्डिंग वो सब्सिडरी बुक्स अपनी मेंटेन करता था। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी जो पहली सब्सिडरी बुक थी वो कैश बुक शुरू करी थी। तो बच्चे, मैंने आपको कैश बुक के बारे में बताया था कि जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक जो हमारी होती थी वो जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट होती है, मतलब जितने भी कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे वो हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर कैश आ रहा था तो हम करते थे डेबिट, और अगर कैश जा रहा था मेरे बिजनेस से हम करते थे क्रेडिट। मतलब रिसिप्ट होती थी हम करते थे डेबिट, और अगर पेमेंट हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते थे। फिर हम लोगों ने कैश बुक डिस्कस करा था कि 3 तरीके की होती हैं। एक तो होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होता था डबल कॉलम कैश बुक, और एक होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ये सब का हम लोगों ने डिस्कशन करा था, और हम लोग अभी डबल कॉलम कैश बुक पे चल रहे थे। ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम लोग अभी लास्ट क्लास में शुरू नहीं कर पाए थे, हम लोग डबल कॉलम कैश बुक पढ़ रहे थे। फिर बच्चे, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस सिंगल कॉलम के कराए थे, कुछ क्वेश्चंस डबल कॉलम के कराए थे, और शायद मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दे रखा था। फिर बच्चे, मैंने आपको चेक का कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर मेरे को बेयरर या ऑर्डर चेक मिल रही है तो वो बच्चे मैं एज इट इज कैश की तरह ट्रीट करूंगा, ठीक है। मैं बेयरर और ऑर्डर चेक को कैश की तरह ट्रीट करूंगा, और मैं क्या करता था, उसको कैश साइड पे लिखता था, ठीक है, कैश कॉलम पे लिखता था। और बच्चे, अगर मेरे को क्रॉस चेक या फिर अकाउंट पे चेक मिलती है तो मैं कहां पे लिखता था, बैंक कॉलम पे लिखता था। फिर बच्चे, हमने समझा था कि अगर हम लोग चेक को खुद से यूज करते हैं, मेरे को चेक मिली और मैं खुद से यूज करता हूं, तो बच्चे अगर मैं सेम डे डिपॉजिट करता हूं बैंक को तो मैं बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रीटमेंट करूंगा, और अगर मैं किसी डिफरेंट डेट पे डिपॉजिट कर रहा हूं बैंक में तो बच्चे मैं पहले उसको क्या करूंगा, अपने कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा, फिर बच्चे मैं कैश से बैंक में ट्रांसफर करूंगा एज अ कॉन्ट्रा एंट्री। फिर बच्चे, अगर मेरे को चेक मिली और चेक मैंने किसी और को इंडोर्स कर दी, चेक मेरे को मिल रही है और मैं किसी को चेक इंडोर्स कर रहा हूं, और बच्चे वो क्या हुआ कि चेक अगर हमने सेम डे इंडोर्स कर रखी है, तो बच्चे हमारे कैश बुक में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। हम लोग क्या करते थे उस केस में, अपने क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट करते थे और डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे। फिर बच्चे, इंडोर्स अगर किसी और दिन कर रहे हैं तो बच्चे जिस दिन चेक मिली है हम उसको एज अ कैश एंट्री दिखाएंगे, और बच्चे जिस दिन इंडोर्स होगा उस दिन भी हम लोग क्या करेंगे, कैश एंट्री दिखाएंगे। मतलब हमारे बैंक कॉलम को वो कहीं भी हिट नहीं करेगा। तो हमने क्या समझा था कि हम लोग क्या करते हैं, पहले उसे एज अ कैश एंट्री दिखाते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसे एज अ कैश पेमेंट दिखा देते हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझ रखी थी। तो बच्चे, आज मैं अपने लास्ट क्लास को और आगे कंटिन्यू करता हूं, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा हुआ है कि गणेश कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1st April 2017 विद ₹2000 एज कैपिटल। ही हैड द फॉलोइंग कैश ट्रांजैक्शंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2017। April 1, परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश ₹250। April 2, परचेज गुड्स ₹500। April 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹950। April 5, पेड कैश टू राम मोहन ₹560। April 6, ही अलाउड डिस्काउंट
10 rupees, April 6, received cash from कृष्णा एंड कंपनी एंड अलाउड डिस्काउंट कितना 20, मतलब कैश मिल रहा है 600 रुपए का और डिस्काउंट कितना अलाउ करना है 20 rupees का डिस्काउंट अलाउ करना है। फिर अप्रैल 7 पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस ₹15, अप्रैल 8 क्या है कैश परचेजेस ₹150, अप्रैल 13 पेड फॉर लेबर ₹1000, पेड अली एंड सन्स ₹400 एंड दे अलाउड डिस्काउंट ₹8। तो बच्चे इतने ट्रांजेक्शन है जो मेरे को अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। तो मेक आउट द टू कॉलम कैश बुक, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017। तो बच्चे मैं अभी भी डबल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्काउंट कॉलम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रखा था, तो इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन चूज कर रखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3, मेरे को क्या बनाना है, कैश बुक बनानी है, तो मैं कैसे लिखूंगा, इन द बुक्स ऑफ गणेश कैश बुक, इन द बुक्स ऑफ गणेश मैं क्या बनाने जा रहा हूं, कैश बुक बनाने जा रहा हूं। फिर बच्चे मैंने यहां पे लिखा डेट पर्टिकुलर्स एलएफ नंबर डिस्काउंट और कैश कॉलम, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ नंबर डिस्काउंट और कैश कॉलम। तो बच्चे इतने कॉलम मेरे को क्या करना है, बनाने हैं, और ये मेरी क्या है डेबिट साइट है और ये मेरी क्या है क्रेडिट साइट है। तो चलो बच्चे क्विकली से कॉलम्स ड्रॉ कर लो। तो आप लोगों ने कॉलम्स ड्रॉ कर लिए होंगे, तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बच्चे 2017 फर्स्ट अप्रैल को मैंने क्या करा, अपना बिजनेस कमेंस करा विथ ₹2000 एज कैपिटल। तो अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट, तो बच्चे मेरे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, कैश आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट और कितना आ रहा है, 2000 rupees आ रहा है, तो मैंने कैश कॉलम में लिख दिया। फिर क्या दे रखा है कि अप्रैल 1 परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश, तो 2017 को मैंने अप्रैल 1 में एक फर्नीचर परचेज करा, तो बाय फर्नीचर अकाउंट। और बच्चे फर्नीचर कितने का परचेज कर रखा है, ₹250 का एक फर्नीचर परचेज करा और कैश में उसका पेमेंट कर दिया। फिर बच्चे मैंने 2 अप्रैल को कुछ गुड्स खरीदे, तो 2 अप्रैल बाय परचेजेस अकाउंट कितना ₹500 के मैंने गुड्स परचेज करे। फिर बच्चे 4 अप्रैल को मैंने कुछ गुड्स सेल करें कैश में ₹950 के, तो मैंने यहां पे लिखा 4 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट। और बच्चे कितने की सेल्स है, ₹950 की सेल्स कर रखी है। अप्रैल 5 पेड कैश टू राम मोहन को मैंने कैश पे करा, तो बच्चे मैंने यहां पे लिखा बाय राम मोहन अकाउंट कितना ₹560 का मैंने कैश पे कर रखा है, किसको, राम मोहन को पे करा, किस पर्पज से पे कर रखा है ये मेरे को नहीं मालूम है, बस राम मोहन को कैश पे कर रखा है, तो मैंने राम मोहन के नाम पे एक अकाउंट ओपन कर दिया। फिर अप्रैल 6 में क्या दे रखा है कि ही अलाउड डिस्काउंट ₹10, तो मेरे को ₹10 का डिस्काउंट मिला, किससे, राम मोहन से। तो बच्चे मैंने यहां पे लिखा, तो बच्चे मेरे को ₹10 का डिस्काउंट मिला है, और डिस्काउंट कब मिला है, 6 अप्रैल को। तो बच्चे ये कुछ क्वेश्चन में इशू है, ये बच्चे इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, और ये अगर मैं पेमेंट 5 को कर रहा हूं, तो बच्चे मेरे को डिस्काउंट भी 5 में मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने पेमेंट कब करा है, 5 को करा है, तो मैंने डिस्काउंट जो लिखा है 5 में ही लिख रखा है। जिस दिन मैं पेमेंट करूंगा उसी दिन तो मेरे को डिस्काउंट मिलेगा, नेक्स्ट डे थोड़ी ना मेरे को डिस्काउंट देगा आके वो। उसके बाद क्या दे रखा हुआ है कि अप्रैल 6 रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी एंड अलाउड डिस्काउंट ₹20। तो बच्चे 6 अप्रैल को मेरे को कैश मिला है किससे, कृष्णा एंड कंपनी से, तो टू कृष्णा एंड कंपनी
तो कृष्णा एंड कंपनी कितना मिला है? 600 रुपीज का कैश मिला है और 20 रुपीज का क्या है डिस्काउंट है। अप्रैल 7 पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस ₹15। तो बच्चे मैंने पेटी एक्सपेंसेस के लिए कुछ पे कर रखा है, तो मैंने यहां पे लिखा बाय पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट, बाय पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट कितना ₹15 मैंने पे कर रखे हैं पेटी एक्सपेंसेस के नाम पे। फिर बच्चे मैंने कुछ कैश परचेज करी है कितने की, ₹150 की, कब करी है 8 अप्रैल को, मैंने यहां पे लिखा बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट कितना परचेज कर रखा है मैंने ₹150 का परचेज कर रखा। फिर बच्चे मैंने अप्रैल 13 को कुछ लेबर पे कर दिया, तो बच्चे लेबर को कुछ मैंने पे करा है, तो लेबर को जो मैं पे करता हूँ वो क्या होता है उनकी वेजेस होती है, तो बच्चे मैंने लेबर को वेजेस पे कर रखी है, तो बाय वेजेस अकाउंट कितना ₹1000 की वेजेस मैंने लेबर को पे कर रखी है। पेड अली एंड सन्स दे अलाउड डिस्काउंट ₹8, तो बच्चे मैंने अली एंड सन्स को पेमेंट करा, अली एंड सन्स को पेमेंट करा और कब करा, 13th को पेमेंट करा बाय अली एंड सन्स अकाउंट, बाय अली एंड सन्स अकाउंट कितना पेमेंट करा, ₹400 का पेमेंट करा और उन्होंने मेरे को ₹8 का डिस्काउंट दे रखा है। तो बच्चे इतने ट्रांजैक्शन थे जो मेरे को रिकॉर्ड करने थे। अब बच्चे सबसे पहले बात मेरे को आपको ये बतानी है कि जो हमारे डिस्काउंट के कॉलम्स होता है, एक तो डिस्काउंट हमारा डेबिट साइड आता है, एक क्रेडिट साइड आता है, तो बच्चे हम लोग डिस्काउंट के कॉलम्स को कभी भी बैलेंस नहीं करते, डिस्काउंट के कॉलम्स को हम लोग कभी भी नहीं बैलेंस करते, क्योंकि बच्चे ये दोनों क्या होते हैं अलग अलग नेचर के होते हैं। मतलब ये बच्चे मेरा क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, मेरे को कैश मिला तो मैंने डिस्काउंट अलाउ करा कस्टमर को, बच्चे ये मेरा क्या है बिजनेस का एक्सपेंस है, और बच्चे ये क्या है डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब मैंने किसी को कैश पे करा और मेरे को डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो बच्चे ये मेरे लिए इनकम है। तो बच्चे मैं इन दोनों को आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकता, मेरे को क्या करना होगा बस इनके कॉलम्स का टोटल करना होगा और उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में मेरे को पोस्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिस्काउंट का टोटल ₹20 और इधर से डिस्काउंट का टोटल कितना आ जाएगा ₹18, ठीक है। तो डिस्काउंट के कॉलम्स को हम लोग कभी भी बैलेंस नहीं करते। फिर मैंने क्या करा, अपने कैश के कॉलम का टोटल करा और बच्चे ये आ रहा है 3550, और बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा 30th अप्रैल बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बैलेंस निकल के आएगा, तो यहाँ पे तो 3550 होगा और ये मेरा आ जाएगा ₹675। तो बच्चे ये क्या आ गया, मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो बच्चे अगर मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आता है तो बच्चे ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये मेरा डेबिट बैलेंस है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना मेरा, मेरे पास आज के दिन पे कैश कितना मेरे पास ₹675 है। तो यहां पे मेरे साथ एक नोट लिखो, यहां पे मेरे साथ आप लोग एक नोट लिखो, डिस्काउंट कॉलम विल नेवर बी बैलेंस्ड एंड देयर टोटल विल बी पोस्टेड to their respective accounts, and their total will be posted to their respective accounts. मतलब जो ये मेरा discount allowed का total है वो बच्चे discount allowed के account में मैं post करूंगा, और जो ये discount received का total है वो मैं कहां पे post करूंगा, discount received के column पे post कर दूंगा। तो बच्चे यहां पे मैंने question number 3 complete कर लिया। अब बच्चे मैं क्या करने जा रहा हूं, triple column cash book शुरू करने जा रहा हूं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक तो बच्चे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम लोग तीन अकाउंट्स बनाते हैं, मतलब तीन कॉलम्स बनाते हैं, एक तो होता है कैश का, एक होता है मेरा बैंक का, और एक होता है मेरा क्या डिस्काउंट का कॉलम। तो बच्चे मेरे को इतने कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट, तो बच्चे हमें इसमें प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। एक बात मेरी सबसे पहले समझ लेना, कभी भी हम लोग कैश बुक को वर्टिकल फॉर्म में नहीं बनाएंगे, मतलब हम लोग अपनी कॉपी को ऐसे करके नहीं बना सकते, ठीक है।
हमें अपने कॉपी को ऐसे करके कभी भी कैश बुक नहीं बनानी है, हमें हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अपनी कैश बुक बनानी है, चाहे वो जितनी बड़ी कैश बुक हो। मैं अपने कॉलम छोटा कर लूंगा, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख लूंगा, बट मेरे को हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कैश बुक को बनाना है। तो चलो बच्चे, सबसे पहले हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट समझते हैं। कैश बुक और बच्चे ये जो होता है मेरा क्या होता है, डेबिट साइड होता है, और ये क्या होता है मेरा क्रेडिट साइड होता है। मैंने यहां पे लिखा डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है, पहले मेरे को लिख लेने दो फिर आप लोग लिखना। डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ नंबर, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ नंबर, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक, ठीक है। तो बच्चे इतने कॉलम्स मेरे को चाहिए होते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक के लिए। तो बच्चे ये आप लोग नोट डाउन कर लो और लाइंस चलो हम लोग ड्रॉ करते हैं। एलएफ नंबर और डिस्काउंट के जो कॉलम्स होते हैं वो बच्चे बहुत छोटे छोटे से बनाना, क्योंकि उसमें बहुत कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो चलो बच्चे मेरे साथ आप लोग भी लाइन ड्रॉ कर दो। तो बच्चे इतने कॉलम्स बनते हैं जो हमें बनाना है। तो आप लोग भी क्विकली ड्रॉ कर लो। तो आप लोगों ने अभी तक ड्रॉ कर लिया होगा। तो चलो बच्चे अब हम लोग अपना एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं जो क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर सेवन। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक विथ डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम्स। चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट। तो क्वेश्चन में हमें पहले ही दे रखा है कि चेक्स को हम लोग पहले एज अ कैश रिसिप्ट ट्रीट करते हैं। उसके बाद 2016 मार्च 1 कैश इन हैंड कितना दे रखा हुआ है, 15,000 रुपीज। ओवरड्राफ्ट इन बैंक कितना दे रखा हुआ है, 500 रुपीज। तो बच्चे इस बार क्या आ रहा है, बैंक का ओवरड्राफ्ट आ रहा है। तो ये चीज मैंने एक नोटिस कर ली। फिर बच्चे कैश सेल्स दे रखी हुई है कितना, 3,000 रुपीज, पेड टू सुशील ब्रोस बाय चेक 3,400। डिस्काउंट कितने का रिसीव हुआ है, 100 रुपीज का। सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड रुपीज 2,800। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सृजन रुपीज 6,200। इंडोर्स सृजन्स चेक इन फेवर ऑफ आदित्य। डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 6,800। रिसीव्ड चेक फ्रॉम अवरल एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक बाय अलाउइंग हिम डिस्काउंट ऑफ रुपीज 50। तो बच्चे कितने की चेक मेरे को रिसीव हुई है, 3,600 की, और मैंने डिस्काउंट कितना अलाउ कर रखा है, 50 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ कर रखा है। आदित इन्फॉर्म दैट सृजन्स चेक इज डिसऑनर्ड, नाउ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम सृजन एंड अमाउंट इज पेड टू आदित थ्रू ओन चेक, ठीक है। सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड कितना है, 3,200 रुपीज। विथड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 1,800। पेड टू संचित बाय चेक रुपीज 3,000। बैंक चार्ज 1% कमीशन ऑन सेल्स थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड्स। तो बच्चे ये सब कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखे हुए हैं। तो एक चीज मेरे को आपको ये समझानी है कि जब भी हम लोग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पैसे रिसीव करते हैं तो बच्चे बैंक कुछ ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करता है। आप लोग जनरली क्या करते होंगे, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से किसी को पेमेंट करते होंगे तो आपको पता नहीं चलता है कि जो सामने वाली पार्टी जिसको पेमेंट रिसीव हो रहा है, जैसे कि ये आप है, ठीक है, ये आप है, आप एक शॉप में गए, वहां पे क्या करा, एक मशीन ऐसे रखी होती है, मशीन में अपना कार्ड इंसर्ट करा और बच्चे वहां से हम लोग क्या करते हैं, मर्चेंट को पेमेंट कर देते हैं, मतलब अपने शॉपकीपर को पेमेंट कर देते हैं। तो बच्चे आपके अकाउंट से तो उतना ही कटेगा जितना आपको पे करना है। लेट्स से आपने पे करा 500 रुपीज, तो आपके अकाउंट से जो डेबिट होगा वो कितना होगा, 500 रुपीज ही होगा। बट बच्चे जब वो शॉपकीपर के पास पहुंचता है तो वो बच्चे अप्रोक्सीमेटली 495 रुपीज पहुंचता है, करीबन 5 रुपए वो लोग चार्ज कर लेते हैं पर ट्रांजैक्शन। मतलब उनकी कोई फिक्स्ड फीस होती है कि इतना परसेंट आपके रिसिप्ट का हम लोग चार्ज करेंगे अगर आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से पैसे रिसीव करते हैं। तो बच्चे वही चीज है जो हम लोगों ने हम लोगों ने जो पेमेंट्स रिसीव करी है तो बैंक हमसे क्या करता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड
किसके थ्रू जो पैसे रिसीव हुए हैं उस पर क्या कर रहा है, कमीशन चार्ज कर रहा है। तो ये क्या होता है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी अवेल करने के लिए बैंक क्या करता है, कुछ पैसे चार्ज करता है, वो इन द फॉर्म ऑफ कमीशन चार्ज करता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो मैंने फॉर्मेट पहले से ड्रॉ कर रखा, आप लोग क्या करो एक बार फिर से फॉर्मेट बना लो इसको, मतलब इसको ऐसे ही रहने दो और आप लोग एक और फॉर्मेट बना लो और उस फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। मेरे पास फॉर्मेट बना हुआ है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, सबसे पहले कि 2016 में मेरे पास क्या क्या ओपनिंग बैलेंसेस थे। 2016 मार्च 1 मेरे पास ओपनिंग कैश इन हैंड दे रखा हुआ है, तो मैंने यहां पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश इन हैंड कितना दे रखा हुआ है, 15,000 रुपीज, तो मैंने यहां पे लिख दिया। फिर बच्चे ओवरड्राफ्ट इन बैंक दे रखा है, मतलब ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया क्रेडिट बैलेंस, तो बच्चे मैंने यहां पे लिखा 2017 मार्च 1। और बच्चे ओवरड्राफ्ट है तो मेरा क्रेडिट बैलेंस होगा बैंक से, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ओवरड्राफ्ट कितना है मेरे पास बैंक से, 500 रुपीज का ओवरड्राफ्ट है। फिर बच्चे मैंने क्या करा है, कैश सेल्स करी है 3,000 रुपीज की 2nd मार्च को, तो मैंने यहां लिखा 2nd मार्च टू सेल्स अकाउंट। तो कितने की कैश सेल्स कर रखी है, 3,000 रुपीज की कैश सेल्स कर रखी है। फिर 3rd मार्च को मैंने क्या करा है कि पेड टू सुशील ब्रोस बाय चेक रुपीज 3,000, और डिस्काउंट मेरे को कितने का रिसीव हो रहा है, 100 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो 3,400 रुपीज मैंने सुशील ब्रोस को पे करा है और 100 रुपए का मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैंने कब पेमेंट करा है, 3rd मार्च बाय सुशील ब्रोस कितना, 3,400 रुपीज का पेमेंट करा, और किससे करा, चेक से करा है, तो 3,400, और मेरे को 100 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव हुआ है, वो मैंने यहां पे लिख दिया। फिर बच्चे 5th को मैंने क्या करा है, 5th मार्च को सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड मैंने सेल्स करी है 5th मार्च को, तो मैंने यहां लिखा टू सेल्स अकाउंट। और बच्चे क्रेडिट कार्ड के थ्रू सेल्स करी मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट आई होगी, तो मैंने यहां लिखा 2,800 रुपीज, मैंने यहां पे कितना लिखा 2,800 रुपीज। फिर बच्चे रिसीव्ड चेक फ्रॉम सृजन 6,200 रुपीज, और बच्चे मैंने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो देखा तो क्या लिखा हुआ है कि इंडोर्स सृजन्स चेक इन फेवर ऑफ आदित्य। तो बच्चे मेरे को 6 को चेक मिली और मैंने 7 को इंडोर्स करी है, तो बच्चे मैं 6 को क्या एंट्री करूंगा, जो सृजन की चेक मिली है वो मैं क्या करूंगा, एज अ कैश रिसिप्ट दिखाऊंगा, तो मैंने यहां लिखा टू सृजन। और बच्चे मैंने यहां पे लिखा 6,200 रुपीज कैश कॉलम पर। फिर बच्चे मैंने सृजन की चेक किसको दे दी, आदित्य को दे दी, कब दी है, 7th मार्च को। तो बच्चे दोनों ट्रांजेक्शन के बीच में 1 दिन का टाइम गैप है, इसी वजह से मैंने इसको क्या करा, कैश रिसिप्ट ट्रीट करा। अगर सेम डे होता तो बच्चे मेरे कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं आती, तो मैंने यहां पे लिखा 7 मार्च बाय आदित्य कितना, 6,200 रुपीज। फिर दे रखा हुआ है कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 6,800, तो बच्चे मैंने बैंक में 6,800 रुपीज डिपॉजिट करे, तो बच्चे ये क्या होगी, मेरी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो मैंने यहां पे लिखा 9th मार्च टू कैश अकाउंट। कितना मैंने डिपॉजिट कर रखा है बैंक में, 6,800 रुपीज मैंने बैंक में डिपॉजिट करा है, तो बच्चे ये क्या हुई, मेरी कॉन्ट्रा एंट्री हुई, मैंने यहाँ पे सी के नाम से डिनोट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा 9th मार्च, और बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री है, और मैंने यहाँ पे लिखा कितना, 6,800 रुपीज। फिर बच्चे 10th मार्च को क्या हुआ है कि रिसीव्ड चेक फ्रॉम अविरल एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक बाय अलाउइंग डिस्काउंट रुपीज 50। तो बच्चे मेरे को चेक मिली और मैंने तुरंत ही बैंक पर डिपॉजिट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10th मार्च, और किसके नाम पे चेक मिली है, मतलब अविरल से मेरे को चेक मिली है। कितने की चेक मिली है, 3,600 रुपीज की चेक मिली है, और 50 रुपए का मैंने क्या करा, डिस्काउंट दे रखा हुआ है।
बच्चे ये चीज भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। फिर क्या दे रखा हुआ है कि 12th मार्च को आदित्य इन्फॉर्म डेट सृजन चेक इज डिसऑनर्ड। आदित्य को जो चेक मैंने इंडोर्स करी थी सृजन की जो चेक मैंने आदित्य को इंडोर्स कर रखी थी वो क्या हुई है, डिसऑनर हो गई है। नाउ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम सृजन एंड द अमाउंट इज पेड टू आदित्य थ्रू ओन चेक। तो बच्चे चेक डिसऑनर हुई है। चेक डिसऑनर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं यहां पे वर्किंग नोट बनाता हूं नीचे छोटा सा वर्किंग नोट, तो मैंने आपको क्या बताया था, डेटर टू पेई। तो बच्चे अगर मेरा डेटर देखना चाहो तो कौन है, डेटर मेरा है सृजन और बच्चे पेई कौन है, आदित्य। मतलब ये एंट्री जो है मेरे कैश बुक में तो नहीं आने वाली, ये एंट्री मेरे कैश बुक में नहीं आने वाली, मतलब 6200 रुपीज की जो ये एंट्री है वो मेरे कैश बुक में तो नहीं आएगी। फिर बच्चे डिसऑनर की एंट्री जो होगी वो हम लोग अपने कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो बच्चे मैंने एंट्री बना के देख ली कि ये मेरे कैश बुक में नहीं आनी है। उसके बाद क्या दे रखा है कि नो कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम सृजन। तो बच्चे कैश मेरे को सृजन से मिला, तो मैंने यहां पे लिखा 12th मार्च टू सृजन, मेरे को कितना कैश मिला होगा 6200 रुपीज। और बच्चे जो मैंने आदित्य को पेमेंट करा हुआ है वो किससे करा है, चेक से पेमेंट करा है। तो बाय आदित्य कितना 6200 रुपीज का मैंने पेमेंट करा है, किसको, आदित्य को कर रखा है। फिर बच्चे 15th मार्च को सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड। तो बच्चे जो भी सेल्स डेबिट कार्ड से हो रही है वो हमारे कहां पे आएगी, बैंक अकाउंट पे आएगी। तो मैंने यहां पे लिखा टू सेल्स अकाउंट। कितनी सेल्स कर रखी हुई है 3200 रुपीज की, वो मैंने अपने कहां पे लिख दी, बैंक कॉलम पे लिख दी है। फिर क्या है कि 24th मार्च को विथड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 1800, मैंने बैंक से 1800 रुपीज विदड्रॉ करे। तो बच्चे मेरी फिर से क्या हुई, कॉन्ट्रा एंट्री हुई। तो बच्चे मैंने बैंक से विदड्रॉ करें, कब विदड्रॉ करें, 24th मार्च को। तो मैंने यहां लिखा टू बैंक अकाउंट मैंने बैंक से विदड्रॉ करें, कॉन्ट्रा एंट्री है। और कितना विदड्रॉ कर रखा है, 1800 रुपीज का कैश मैंने विदड्रॉ करा है, तो मैंने कैश कॉलम पे लिख दिया। फिर बच्चे मैंने यहां पे लिखा 24th मार्च बाय कैश अकाउंट। और बच्चे ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो बच्चे कैश विड्रॉ करा है मैंने, कहां से विड्रॉ करा है, बैंक से विड्रॉ करा है, तो मैंने बैंक कॉलम पे लिख दिया। फिर क्या है कि 28th मार्च को पेड टू संचित बाय चेक। तो बच्चे मैंने संचित को पेमेंट करा है, किससे करा है, चेक से पेमेंट कर रखा है। तो मैंने यहां पे लिखा 28th मार्च बाय संचित। कितना पेमेंट कराया मैंने संचित को, 3000 रुपीज का मैंने पेमेंट करा है बाय चेक संचित को। इसके बाद क्या दे रखा है कि 30th मार्च को बैंक कमीशन चार्ज करती है, बैंक चार्ज 1% कमीशन ऑन सेल्स थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। तो बच्चे मैंने सेल्स निकाली, तो सेल्स कितनी निकल के आएगी, थ्रू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो बच्चे मैंने दो सेल्स कर रखी, एक क्रेडिट कार्ड से सेल्स कर रखी 2800 रुपीज की, प्लस डेबिट कार्ड से जो मैंने सेल्स कर रखी वो कितने की करी है, 3200 रुपीज की कर रखी है। मतलब टोटल सेल्स तो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड कितना हो गया, 6000 रुपीज। तो बच्चे अगर मैं कमीशन निकालना चाहूं तो इसका कमीशन कितना आएगा, 1%। तो 6000 का 1% क्या है, बैंक का चार्जेस है। तो 6000 का 1% अगर मैं निकालता हूं तो 60 रुपीज क्या करेगी, बैंक चार्ज कर लेगी। तो मैंने यहां पे लिखा 30th मार्च बाय कमीशन। कमीशन कितना चार्ज करा बैंक ने, 60 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट से चार्ज कर दिए। तो बच्चे बस इतने ही ट्रांजैक्शंस दे रखे थे क्वेश्चन में। तो अब हमें क्या करना है, टोटलिंग करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि डिस्काउंट कॉलम्स का हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस नहीं करते। तो डिस्काउंट कॉलम का जो भी टोटल आ रहा है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो 50 तो इधर साइड आ रहा है और 100 इधर साइड आ रहा है, ठीक है। डेबिट साइड पे 50 और 100 रुपीज कहां पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है। फिर बच्चे मैंने अपने कैश का टोटल करा, कैश का अगर मैं टोटल करता हूं तो बच्चे कैश का जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है 32200 रुपीज। तो मतलब इधर भी यही आना चाहिए। तो मैंने यहां पे लिखा 31st मार्च बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो बच्चे 32200 रुपीज में से मैंने माइनस करा कितना, 6200 और बच्चे 6800। तो बच्चे जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो कितना, 19200 रुपीज का मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। फिर बच्चे मैंने
बैंक के डेबिट साइड का टोटल करा क्योंकि मेरे को लग रहा है कि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा है, तो मैंने डेबिट साइड का टोटल करा पहले। तो डेबिट साइड का टोटल अगर मैं करता हूं तो 16,400 आ रहा है, तो इधर का भी कितना आना चाहिए, 16,400 आना चाहिए। 16,400 से मैं माइनस क्या क्या करूंगा, 500, 3400, 6200, 1800, 3000, 60 रुपीस। तो बच्चे जो मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1440 आ रहा है। तो बच्चे मेरा ओपनिंग में जो बैंक का बैलेंस आ रहा था वो क्या था, ओवरड्राफ्ट था, बट बच्चे मेरा क्लोजिंग का बैलेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, मतलब डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस इसमें एक चीज नहीं थी कि सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की पॉइंट एक जो था वो क्या था, नया था। तो कभी भी हम लोग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से सेल्स करते हैं तो उस पर हमें बैंक को क्या करना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है। तो कमीशन जो होता है वो बैंक क्या करती है, फिक्स कर देती है। तो चलो बच्चे इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9, एंटर द फॉलोइंग इनटू कैश बुक ऑफ रिचा कलेक्शन 2016 अप्रैल 1। ओपनिंग बैलेंसेस क्या दे रखे हुए हैं, कैश के 8,000 रुपीज, बैंक का 3,000 रुपीज। फिर अप्रैल 3 को परचेज गुड्स एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक रुपीज 1,000। फिर बच्चे अप्रैल 4 में कैश सेल्स कितना है, 500 रुपीज का। फिर इसके बाद अप्रैल 5 कैश सेल्स रुपीज 300, अप्रैल 6 डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीज 300, अप्रैल 9 received from Mohan rupees 400 and allowed him discount of rupees 10. April 12 withdrew by check for personal use rupees 500. April 14 withdrew for personal use rupees 50. April 15 paid for bills payable rupees 600. April 17 paid to Suresh by check rupees 400 and he allows discount rupees 10. April 20 received from Dinanath by check rupees 500 in full settlement of his account for rupees 525. April 21 endorsed Dinanath check in favor of Bholanath. तो बच्चे मैंने यहाँ पे Dinanath की check किसको endorse करी है, Bholanath को endorse करी है। April 23 received a cross check of rupees 300 from Nagendra and allowed him discount of rupees 8. फिर बच्चे अप्रैल 25 रिसीव्ड 300 कैश एंड 500 रुपीस चेक इन कनेक्शन विद कैश सेल्स। अप्रैल 27 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रमोद एंड डिपॉजिटेड द सेम इन द बैंक फॉर कलेक्शन रुपीस 200, डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीस 200। अप्रैल 29 रिसीव्ड चेक फ्रॉम हरी एंड इमीडिएटली सेंड इट टू द बैंक रुपीस 400 एंड डिस्काउंट रुपीज 10 रुपीज। उन्होंने मेरे को क्या कर रखा है, मैंने उनको 10 रुपीज का डिस्काउंट हरी को अलाउ कर रखा है। फिर बच्चे अप्रैल 30 रिसीव्ड चेक फ्रॉम प्रमोद रुपीज 150, अलाउड हिम डिस्काउंट रुपीज 10। इंडोर्स द चेक ऑफ प्रमोद टू कैलाश, अलाउड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10। तो बच्चे मैंने क्या करा, प्रमोद की चेक को मैंने किसको इंडोर्स करा, कैलाश को कर दिया। तो बच्चे हरीश चेक वॉज डिसऑनर्ड एंड रिटर्न बाय द बैंक। तो बच्चे जो ये हरी की चेक थी वो डिसऑनर हो गई है और बैंक ने वापस कर दिया। रिसीव्ड पेमेंट ऑफ रुपीज 900 फ्रॉम सुभाष सब्जेक्ट टू 10% डिस्काउंट, सब्जेक्ट टू 10% डिस्काउंट। और बच्चे डैश, ये गलत आ गया, ये डैश 1/3 इन कैश एंड रेस्ट बाय चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक। सुरेश डिपॉजिटेड रुपीज 500 इन अदर बैंक डायरेक्टली, नागेंद्र चेक वॉज डिसऑनर्ड एंड रिटर्न्ड। बच्चे जो ये नागेंद्र की चेक मेरे को मिली थी 23 अप्रैल को वो क्या हुई है, डिसऑनर हो गई है और मेरे को वापस कर दी है बैंक ने। उसके बाद बैंक सेंड द पासबुक टू अस, दिस डिस्क्लोज दैट एंट्रीज हैव बीन मेड देयर इन फॉर रुपीज 50 एज बैंक चार्जेस एंड अलाउड
₹300 एज बैंक इंटरेस्ट। और बच्चे मेरे को क्या करना है, कैश बुक बनाना है, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक मेरे को बनानी है और इतने सारे ट्रांजेक्शन दे रखे हुए। तो चलो बच्चे इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो शुरू जब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं तो बहुत सी पॉइंट्स मैंने पहले से हाईलाइट कर लिए कि कौन सा पॉइंट किस पॉइंट से रिलेटेड है। इससे मेरे को क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे को क्या बनाना है, कैश बुक बनाना है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चे मेरे को कैश बुक बनाना है इन द बुक्स ऑफ रिचा कलेक्शन। मैंने यहां पे लिखा इन द बुक्स ऑफ रिचा कलेक्शन। और मैं क्या करने जा रहा हूं, कैश बुक बनाने जा रहा हूं। कैश बुक, और मैंने क्या करा, अपने कॉलम्स बनाना शुरू करा। तो बच्चे ये क्या है, मेरी डेबिट साइड है और मेरी क्या है, ये क्रेडिट साइड है। मैंने यहां पे लिखा डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ नंबर, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ नंबर, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। बच्चे इतने कॉलम्स मेरे को ड्रॉ करने हैं। तो चलो बच्चे आप लोग भी कॉलम्स बना लो, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने भी कॉलम्स बना लिए होंगे। तो चलो बच्चे इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 2016 अप्रैल 1st, तो मैंने यहां पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बच्चे कैश का जो बैलेंस है वो कितना है, 8,000 रुपीज है, और बैंक का जो बैलेंस है वो कितना है, 3,000 रुपीज है। मैंने क्या करा, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया कैश और बैंक का। फिर अप्रैल 3rd में क्या दे रखा है कि परचेज गुड्स एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक ₹1,000। तो बच्चे मैंने गुड्स परचेज करे और पेमेंट कैसे करा, चेक के थ्रू करा। तो मैंने यहां लिखा अप्रैल 3rd बाय परचेज अकाउंट। कितने का परचेज करा, 1,000 रुपीज का करा, और पेमेंट किससे करा, चेक से करा, तो बैंक कॉलम में आ जाएगा। फिर बच्चे अप्रैल 4 में क्या दे रखा है कि कैश सेल्स कर रखी है। कैश सेल्स जो कर रखी है वो कितने की कर रखी है, 500 रुपीज की कर रखी है। तो मैंने यहां पर लिखा टू सेल्स अकाउंट और मैंने 500 रुपीज कैश कॉलम में लिख दिया। फिर इसके बाद बच्चे अप्रैल 5th कैश सेल्स कर रखी है कितने की, 300 रुपीज की। तो मैंने यहां पे लिखा अप्रैल 5th टू सेल्स अकाउंट और ये कितना आ रहा है, 300 रुपीज आ रहा है। फिर अब बच्चे अप्रैल 6 में मैंने क्या करा है, डिपॉजिटेड इन बैंक ₹300। मैंने बैंक में 300 रुपीज डिपॉजिट करे, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट, और कितना डिपॉजिट करा, 300 रुपीज मैंने बैंक में डिपॉजिट करा। और बच्चे ये क्या है, मेरी कॉन्ट्रा एंट्री है। और मैंने यहां पे लिखा 6th अप्रैल और यहां पे लिखा क्या, बाय बैंक अकाउंट, और कैश से मेरे पास 300 रुपीज जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं। और मैंने यहां पे लिखा कॉन्ट्रा एंट्री। फिर अप्रैल 9 में क्या दे रखा है कि रिसीव फ्रॉम मोहन ₹400 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹10। तो बच्चे मेरे को मोहन से 400 रुपीज रिसीव हुए हैं, कब हुए, 9th अप्रैल को। तो टू मोहन अकाउंट कितना, 400 रुपीज मेरे को रिसीव हुए हैं। तो 400 मैंने लिखा कैश में रिसीव हुए हैं, और बच्चे 10 रुपीज का मैंने क्या दे रखा हुआ है, डिस्काउंट दे रखा हुआ है। फिर अप्रैल 12 विथड्रू बाय चेक फॉर पर्सनल यूज। तो विथड्रू बाय चेक फॉर पर्सनल यूज, मतलब पर्सनल यूज का मतलब क्या हुआ, ड्रॉइंग्स करी है मैंने, और ड्रॉइंग्स कैसे करी है, मैंने चेक से करी है। तो मैंने यहां पर लिखा बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट कितना, 500 रुपीज मैंने चेक से विदड्रॉ करा है। उसके बाद बच्चे अप्रैल 14 में क्या दे रखा है कि विथड्रू फॉर पर्सनल यूज ₹50। तो बच्चे पर्सनल यूज के लिए मैंने ₹50 विदड्रॉ करे, और इस बार मैंने किससे करे, कैश से कर रखे हैं। फिर 15th अप्रैल को पेड फॉर बिल्स पेबल ₹600। बच्चे मैंने बिल्स का पेमेंट करा, मतलब मेरे पास
से कैश जा रहा है, तो बच्चे मैंने क्या लिखा यहां पे, बाय बिल्स पेबल अकाउंट, बाय बिल्स पेबल अकाउंट कितना 600 रुपीस। फिर बच्चे अप्रैल 17 में क्या दे रखा हुआ है कि पेड टू सुरेश बाय चेक रुपीस 400, ही अलाउड डिस्काउंट रुपीस 10। तो बच्चे मैंने सुरेश को पेमेंट करा है कब, 17 अप्रैल को, तो मैंने यहां लिखा बाय सुरेश, कितना पेमेंट करा है 400 रुपीस का पेमेंट करा और चेक से पेमेंट करा है, मेरे को 10 रुपीस का क्या हुआ डिस्काउंट मिला है। फिर बच्चे अप्रैल 20 को क्या हुआ है कि रिसीव्ड फ्रॉम दीनानाथ बाय चेक रुपीस 500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर रुपीस 525। और बच्चे मैंने इसके बाद देख रखा है कि इंडोर्स दीनानाथ चेक इन फेवर ऑफ भोलानाथ, तो बच्चे मैं नेक्स्ट डे क्या कर रहा हूं, इसका इंडोर्समेंट कर रहा हूं। तो बच्चे अगर मैं इंडोर्स करता हूं और अगर नेक्स्ट डे इंडोर्स करता हूं, तो बच्चे मैं जो चेक रिसीव कर रहा हूं उसको मैंने को क्या दिखाना पड़ता है, कैश रिसिप्ट दिखाना पड़ता है। तो मैंने यहां पे लिखा अप्रैल 20 टू दीनानाथ कितने की चेक मिली है मेरे को, 500 रुपीस की मिली है। तो मैंने यहां पे लिखा 500 रुपीस, मैंने कैश कॉलम में लिखा क्योंकि मैं नेक्स्ट डे इसको क्या कर रहा हूं, इंडोर्स करने जा रहा हूं। और बच्चे मैंने 25 रुपीस का डिस्काउंट दे रखा हुआ है। फिर बच्चे मैंने 21 अप्रैल को यही चेक भोलानाथ के फेवर में इंडोर्स कर दिया, तो मैंने यहां पे लिखा बाय भोलेनाथ। और बच्चे मैंने कैश से दिखा दिया 500 रुपीस। उसके बाद अप्रैल 23 रिसीव्ड अ क्रॉस्ड चेक ऑफ रुपीस 300 फ्रॉम नागेंद्र एंड अलाउड हिम डिस्काउंट रुपीस 8। तो बच्चे मेरे को क्रॉस चेक मिल रही, किससे मिल रही, नागेंद्र से मिल रही है। रिसीव्ड अ क्रॉस चेक ऑफ रुपीस 300 फ्रॉम नागेंद्र एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। तो बच्चे नागेंद्र से चेक मिली, क्रॉस चेक मिली, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में जाएगी। तो मैंने यहां पे लिखा अप्रैल 23 टू नागेंद्र कितने की चेक मिल रही है, 300 रुपीस की चेक मिली है, और मैंने 8 रुपीस का क्या दे रखा हुआ, डिस्काउंट दे रखा हुआ है। फिर बच्चे 25 अप्रैल को मैंने क्या करा है, 300 रुपीस कैश रिसीव करा एंड 500 रुपीस की चेक रिसीव करी इन कनेक्शन विद कैश सेल्स। तो बच्चे मैंने यहां पे लिखा अप्रैल 25 और मैंने यहां पे लिखा टू सेल्स अकाउंट मैंने यहां पे लिखा। बच्चे 300 रुपीस कैश मिला है, 500 रुपीस की चेक मिली है, तो मैंने 300 रुपीस कैश में लिखा और बच्चे 500 रुपीस मैंने बैंक कॉलम में लिख दिया इन कनेक्शन विद कैश सेल्स। फिर बच्चे अप्रैल 27 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रमोद एंड डिपॉजिटेड द सेम इन द बैंक फॉर कलेक्शन रुपीज 200। तो बच्चे मेरे को एक प्रमोद से चेक मिली है, कितने की चेक मिली है, 200 रुपीस की मेरे को चेक मिली और मैंने तुरंत ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो टू प्रमोद कितना, 200 रुपीस मैंने डिपॉजिट कर दिया, किसमें डिपॉजिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। फिर बच्चे 28 अप्रैल को मैंने डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीज 200, तो मैंने अपने कैश बॉक्स से निकाल के 200 रुपीज कहां डिपॉजिट करें, बैंक में डिपॉजिट करें। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मैंने यहां लिखा 28 अप्रैल टू कैश अकाउंट और ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है, और बैंक में 200 रुपीज डिपॉजिट करें। मैंने यहां पे लिखा 28 अप्रैल बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री है और मैंने यहां पे लिखा 200 रुपीज। फिर बच्चे 29 अप्रैल को क्या हो रहा है कि रिसीव्ड चेक फ्रॉम हरी एंड इमीडिएटली सेंड इट टू बैंक रुपीज 400 एंड डिस्काउंट रुपीज 10। तो बच्चे मैंने को चेक मिली है हरी से और मैंने क्या करा, उसको बैंक में भेज दिया, 400 रुपए की चेक है और बच्चे मैंने 10 रुपए का हरी को डिस्काउंट दे रखा हुआ है। तो 29 अप्रैल यहां पे लिखा मैंने टू हरी कितने की चेक मिली है, 400 रुपीज की चेक मिली है और 10 रुपए का क्या है डिस्काउंट। फिर बचे 30th अप्रैल रिसीव्ड द चेक फ्रॉम प्रमोद रुपीज 150 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट रुपीज 10। बच्चे मेरे को प्रमोद से चेक मिली, कितने की मिली, 150 की मिली और उसे 10 रुपीज का डिस्काउंट दे रखा हुआ है। तो 30th अप्रैल टू प्रमोद 150 की चेक मिली और बच्चे मैंने
30 अप्रैल में जो प्रमोद की चेक मिली है, मैंने एक एरो बना रखा है कि प्रमोद की चेक को मैंने कैलाश के फेवर में इंडोर्स करा है, तो बच्चे मैं ये कैश कॉलम में रिकॉर्ड करूंगा। और 10 रुपीज का क्या दे रखा है, मैंने डिस्काउंट दे रखा हुआ है। फिर अप्रैल 30 में सबसे पहले मैंने क्या करा, प्रमोद की चेक को कैलाश के फेवर में इंडोर्स करा हुआ है, तो मैंने यहां पे लिखा अप्रैल 30 बाय कैलाश 150 रुपीज। और बच्चे कैलाश ने भी मेरे को 10 रुपीज का डिस्काउंट दे रखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या है कि हरीश चेक वॉज डिसऑनर्ड एंड रिटर्न बाय द बैंक। बच्चे हरी की चेक क्या हो गई, डिसऑनर हो गई। ये जो हरी की चेक मिली थी वो डिसऑनर हो गई, मतलब डेटर टू पेई। तो बच्चे डेटर कौन है, हरी है, और पेई कौन है, बैंक। मतलब पेई अल्टीमेटली मेरे को पेमेंट रिसीव होना है, तो बच्चे मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा, बैंक के नाम से रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि मैंने चेक बैंक को दे रखी हुई है। तो हरी टू बैंक, तो बच्चे मैंने यहां पे लिखा 30 अप्रैल बाय हरी, और मैंने यहां पे बैंक कॉलम में लिख दिया 400 रुपीज। अब अच्छे समझने की कोशिश करना, जब हरी ने मेरे को पेमेंट करा था तो मैंने उसे 10 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ करा था, बट बच्चे जब मेरे को पेमेंट ही नहीं रिसीव हुआ तो किस बात का डिस्काउंट। तो मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट भी रिवर्स कर दूंगा। मैंने यहां पे लिखा 10 रुपीज के डिस्काउंट का जो होगा वो रिवर्सल होगा, तो मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख सकता हूं कैंसिलेशन, या फिर मैं लिख सकता हूं डिसऑनर ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ चेक। अगर मेरे को पेमेंट मिलता तो मैं डिस्काउंट अलाउ करता, बट बच्चे मेरे को पेमेंट ही नहीं मिला तो डिस्काउंट मैं किस बात का अलाउ करूंगा, तो मैंने डिस्काउंट का भी क्या करा, रिवर्सल कर दिया। फिर इसके बाद दे रखा हुआ है कि रिसीव्ड पेमेंट ऑफ रुपीज 900 फ्रॉम सुभाष सब्जेक्ट टू 10% डिस्काउंट, 1/3 इन कैश एंड रेस्ट बाय चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो बच्चे मेरे को सुभाष से पेमेंट मिल रहा है, सुभाष से मेरे को कितना रिसीव होना था, चलो एक वर्किंग नोट बनाते हैं इससे रिलेटेड, वर्किंग नोट। मुझे सुभाष से रिलेटेड मेरे को कितना पेमेंट मिलना था, 900 रुपीज का पेमेंट मेरे को मिलना था, सब्जेक्ट टू 10% डिस्काउंट, मतलब 900 - 10% का अगर मैं डिस्काउंट अलाउ करता हूं तो बच्चे ये कितना आएगा, 810 रुपीज आएगा। 810 में से जो 1/3 है, 1/3 है वो मेरे को कैश में मिलेगा, और 2/3 जो है वो बच्चे मेरे को बैंक में मिलेगा। अगर मैं 810 का 1/3 निकालता हूं तो ये आएगा कितना, 270, और 2/3 आएगा 540। तो मैं यहां पे रिकॉर्ड कैसे कर सकता हूं, 30 अप्रैल टू सुभाष, टू सुभाष, और बच्चे मैंने कितने का डिस्काउंट दे रखा हुआ, 90 रुपीज का डिस्काउंट दे रखा हुआ है, 270 रुपीज मेरे को कैश में मिले, 540 रुपीज की मेरे को चेक मिली है। तो बच्चे ये ट्रांजैक्शन भी मैंने क्या करा, अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद क्या दे रखा है कि सुरेश डिपॉजिटेड रुपीज 500 इन अदर बैंक डायरेक्टली। तो बच्चे सुरेश ने कुछ पैसे डिपॉजिट करे, तो टू सुरेश, कितना डिपॉजिट करा है सुरेश ने, तो बच्चे सुरेश ने जो डिपॉजिट कर रखा है वो कितना है, 500 रुपीज का डिपॉजिट करा है बैंक में, डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद नागेंद्र चेक वॉज डिसऑनर्ड एंड रिटर्न, तो नागेंद्र की जो चेक थी वो डिसऑनर हो गई है, और बच्चे वो मेरे को क्या करना पड़ा है, रिटर्न करना पड़ा है। तो बच्चे नागेंद्र की जो चेक थी, नागेंद्र की अगर मैं चेक देखना चाहूं तो बच्चे ये कहां की है, 23 अप्रैल की है। 23 अप्रैल को नागेंद्र ने मेरे को 300 रुपीज पे करे थे और 8 रुपीज का क्या था, डिस्काउंट था। अब बच्चे चेक डिसऑनर हो रही है तो मतलब डिस्काउंट का भी तो रिवर्सल होगा, जब मेरे को पेमेंट ही नहीं मिला तो डिस्काउंट किस बात का। तो मैंने यहां पे लिखा 30 अप्रैल बाय नागेंद्र, क्योंकि डेटर टू पेई, डेटर कौन है, नागेंद्र, और पेई कौन है, मैं खुद ही हूं, और मैंने चेक कहां भेज रखी, बैंक में भेज रखी है। तो बाय नागेंद्र मैंने क्या लिखा, 8 रुपीज का डिस्काउंट और 300 रुपीज मैंने बैंक कॉलम में लिख दिया। फिर उसके बाद क्या दे रखा है कि बैंक सेंड द पासबुक टू अस, दिस डिस्क्लोज दैट एंट्रीज हैव बीन मेड देयर इन फॉर ₹50 एज बैंक चार्जेस एंड अलाउड ₹300 एज बैंक इंटरेस्ट। तो बच्चे बैंक ने एक मेरे को पासबुक भेजी है जिसमें डिटेल्स दे रखी है कि ₹50 बैंक चार्जेस चार्ज हुए और ₹300 का इंटरेस्ट बैंक ने मेरे को दे रखा हुआ है। मैंने यहां पे लिखा बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट कितना, 50 रुपीज, और बच्चे बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट दे रखा है, तो मैंने यहां पे लिखा टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना, 300 रुपीज।
बच्चे इतने ट्रांजेक्शन थे जो मेरे को अकाउंट फॉर करने थे। तो चलो बच्चे अब मैं क्या करता हूँ, टोटल करने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चे डिस्काउंट कॉलम को मैं कभी भी बैलेंस नहीं करता हूँ, तो डिस्काउंट का मैंने क्या करा, डेबिट साइड का पहले टोटल करता हूँ। बच्चे जो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 153 रुपीज का आ रहा है। और बच्चे क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 38 रुपीज का आ रहा है। तो बच्चे मैंने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का डिस्काउंट का टोटल मैंने लिख दिया। फिर बच्चे मैंने कैश का टोटल करा, तो बच्चे अगर मैं कैश का टोटल करता हूं तो कैश का टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10420, और मैंने यहां पे लिखा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और बच्चे कैश का अगर मैं बैलेंसिंग फिगर निकालता हूं तो 10420 से मैं अपने कैश के पेमेंट्स लेस कर दूं तो बच्चे मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको लेस करता हूं तो बच्चे ये आ रहा है 8620। फिर बच्चे मैंने अपने बैंक के कॉलम का टोटल करा, तो बच्चे जो बैंक के कॉलम का टोटल आ रहा है वो कितना होगा, बच्चे जो बैंक का टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6240। और बच्चे अगर मैं बैलेंसिंग फिगर निकालना चाहूँ बैंक का तो आ रहा है 3590। तो बच्चे ये क्वेश्चन था जिसमें वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस दे रखे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो बच्चे ये क्वेश्चन रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। अगर आप लोग कैश बुक को रिवाइज करें तो ये क्वेश्चन जरूर से लगाएं, ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर से लगाएं, जिससे क्या होगा आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। तो चलो बच्चे इसके बाद मेरे को एक क्वेश्चन और कराना है, क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 ओपन कर लो अब आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा हुआ है कि एंटर द फॉलोइंग इनटू सुधीर एंड सन्स कैश बुक विथ कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम्स 2016 अप्रैल 1। ओपनिंग कैश बैलेंस ₹225, बैंक ओवरड्राफ्ट ₹400, अप्रैल 2 सेल्स ₹500 आउट ऑफ विच डिपॉजिटेड इन बैंक ₹150, अप्रैल 3 पेड टू सुरेश बाय चेक ₹140, अप्रैल 5 रिसीव्ड चेक फ्रॉम जसवंत एंड सेंड इट टू बैंक ₹800, अप्रैल 6 पेड वेजेस ₹245, कैश परचेजेस ₹110, अप्रैल 8 पेड ऑफिस एक्सपेंसेस बाय चेक ₹160, अप्रैल 9 कैश सेल्स ₹200 एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक, अप्रैल 10 पेड रेंट ₹120, अप्रैल 12 रिसीव्ड चेक फ्रॉम दिनेश इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट ₹370 एंड डिपॉजिटेड इट इन बैंक ₹360, अप्रैल 15 पेड टू राम बाय चेक ₹165, ही अलाउड अस डिस्काउंट ₹5, अप्रैल 17 रिसीव्ड कैश फ्रॉम के ₹265 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹5, अप्रैल 18 बॉट फर्नीचर फ्रॉम मोहन एंड पेड हिम बाय चेक ₹300, अप्रैल 19 ब्रू फ्रॉम बैंक ₹90, अप्रैल 20 पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ₹53, अप्रैल 21 रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुभाष ₹255 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹5, अप्रैल 24 डिपॉजिटेड द अबव। बच्चे ये अप्रैल 24 किससे रिलेटेड है, अप्रैल 21 से रिलेटेड है। पेड सैलरी ₹156। फिर इसके बाद बच्चे अप्रैल क्या 25 सुभाष चेक वॉस रिटर्न डिसऑनर्ड, तो बच्चे 24 अप्रैल को मैंने डिपॉजिट करी थी वो जाके 26 अप्रैल को यहाँ पे डिसऑनर हो गई है, सॉरी 25 अप्रैल को डिसऑनर हुई है। अप्रैल 26 पेड ऑक्ट्राय बाय चेक, तो बच्चे ऑक्ट्राय जो होता है अगर जब हम लोग गुड्स परचेज करके लाते हैं किसी डिफरेंट सिटी या फिर टाउन से, तो बच्चे मेरे को कुछ रास्ते में कुछ टोल वगैरह देना पड़ता है, कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, तो उसी को ऑक्ट्राय बोलते हैं हम लोग। फिर बच्चे अप्रैल 27 कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹100, अप्रैल 29 विड्रॉ बाय चेक फॉर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस ₹40। तो बच्चे इतने ट्रांजेक्शन जो है वो मेरे को अपने कैश बुक में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो चलो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर टेन। इन द बुक्स ऑफ सुधीर
एंड सन्स कैश बुक इन द बुक्स ऑफ सुधीर एंड सन्स कैश बुक. बच्चे मेरे को सुधीर एंड सन्स की बुक में क्या बनानी, कैश बुक बनानी है. कौन कौन से कॉलम्स बनेंगे, डेबिट क्रेडिट साइड हो गई है. यहां पे मैंने लिखा डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ नंबर, डिस्काउंट, कैश और बैंक. डिस्काउंट, कैश और बैंक. मैंने यहां पे लिखा डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ नंबर, डिस्काउंट, कैश और बैंक. तो बच्चे मैंने सारे कॉलम्स के नाम लिख लिए. अब मेरे को क्या करना है, सारे के सारे कॉलम्स को ड्रॉ करना है. तो आप लोग भी क्विकली ड्रॉ कर लीजिए. तो बच्चे आप लोगों ने कॉलम्स ड्रॉ कर लिए होंगे. तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले क्या दे रखा हुआ है, 2016 अप्रैल 1 ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है और बच्चे बैंक का ओवरड्राफ्ट दे रखा हुआ है. तो मैंने यहां पे लिखा 2016 अप्रैल 1 मैंने यहां पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कैश बैलेंस दे रखा हुआ है, 225 रुपीज का. और बैंक का जो ओवरड्राफ्ट है वो कितने का है, बैंक का जो ओवरड्राफ्ट है वो है बच्चे 400 रुपीज का. तो मैंने यहां लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 400 रुपीज का ओवरड्राफ्ट है. 400 रुपीज का क्या ओवरड्राफ्ट है, तो वो मैंने यहां पे लिख लिया. फिर बच्चे अप्रैल 2 में क्या दे रखा है कि सेल्स 500 रुपीज की है, आउट ऑफ विच डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीज 150. और बच्चे इसके दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं. या तो पहले मैं पूरा कैश सेल्स दिखाऊं 500 रुपीज का, और बच्चे 150 के लिए मैं क्या करूं, एक कॉन्ट्रा एंट्री पास करूं, या फिर मैं डायरेक्टली 150 रुपीज बैंक पे डिपॉजिट दिखा सकता हूं क्योंकि सेम डे का ट्रांजैक्शन है. तो बच्चे कोई भी फायदा नहीं होगा मेरे को दो दो एंट्रीज करने का, मैं डायरेक्टली इसको शो कर सकता हूं. तो मैं क्या करूंगा, यहां पे टू सेल्स अकाउंट 500 रुपीज की सेल्स है, उसमें से 150 रुपीज बैंक पे डिपॉजिट है, तो 350 रुपीज कैश रिसीव हुआ होगा. ये मैंने क्या करा, अकाउंट फॉर कर लिया. या फिर मैं क्या कर सकता था, 500 रुपीज पहले मैं पूरा कैश में दिखाता, फिर बच्चे मैं कॉन्ट्रा एंट्री पास करता जिसमें 150 रुपीज मैं बैंक पे डिपॉजिट कर रहा होता. बच्चे ये भी हम लोग एक ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं, बट बच्चे ये ज्यादा बेटर है क्योंकि मेरे को एक एंट्री पास करने से बच जाऊंगा मैं. उसके बाद अप्रैल 3 पेड टू सुरेश बाय चेक रुपीज 140. तो बच्चे मैंने यहां पर लिखा बाय सुरेश कितना, 140 रुपीज चेक से पेमेंट मैंने करा है उसे. अप्रैल 5 रिसीव्ड चेक फ्रॉम जसवंत एंड सेंड इट टू बैंक रुपीज 800. तो बच्चे मेरे को चेक मिली है, किससे मिली है, जसवंत से मिली है. तो मैंने यहां लिखा टू जसवंत कितने की चेक मिली है, 800 रुपीज की मेरे को चेक मिली है. अप्रैल 6 में क्या दे रखा हुआ है कि पेड वेजेस रुपीज 245. तो मैंने यहां पे लिखा बाय वेजेस अकाउंट कितना, 245 रुपीज मैंने वेजेस पे करी है और कैश परचेस है कितना, 110 रुपीज. तो बाय परचेस अकाउंट और यहां पे लिखा मैंने 110. फिर अप्रैल 8 को क्या हो रहा है कि पेड ऑफिस एक्सपेंसेस बाय चेक रुपीज 160. तो ऑफिस एक्सपेंसेस की मैंने क्या करा है, एक चेक ड्रॉ करी है. तो बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट कितना, 160 रुपीज की चेक मैंने दे रखी हुई है. अप्रैल 9 कैश सेल्स रुपीज 200 एंड डिपॉजिटेड इन बैंक. तो बच्चे मैंने कैश सेल्स करी और बैंक में डिपॉजिट कर दिया. तो बच्चे इसके भी मैं दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स बना सकता हूं. एक तो मैं डायरेक्टली सेल्स को बैंक के नाम पे दिखा दूं, या फिर मैं पहले कैश सेल्स दिखाऊं और उसको बच्चे मैं एज अ कॉन्ट्रा एंट्री पास करके बैंक में लेकर जाऊं. तो बच्चे मैं क्या करूंगा, पहला ऑल्टरनेटिव लेकर चलूंगा. तो मैंने क्या करा, यहां पर लिखा अप्रैल 9 टू सेल्स अकाउंट. तो बच्चे कितने रुपए की सेल्स कर रखी हुई है,
200 रुपीज की कर रखी है और डायरेक्टली मैंने कहां पे दिखा दिया, बैंक के कॉलम में दिखा दिया। फिर बच्चे अप्रैल 10 पेड रेंट रुपीज 120, मैंने 10th अप्रैल को रेंट पे करा है, तो बाय रेंट 120 रुपीज मैंने पे कर रखा है। फिर बच्चे अप्रैल 12 को क्या दे रखा है कि रिसीव्ड चेक फ्रॉम दिनेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 370 एंड डिपॉजिटेड इन इट इन बैंक रुपीज 360। तो बच्चे 370 रुपीज मेरे को दिनेश से रिसीव होने थे, मेरे को कितने रिसीव हुए हैं, 360 रुपीज रिसीव हुए हैं और 10 रुपए का मैंने क्या करा है डिस्काउंट दे रखा हुआ है। तो बच्चे चेक मिल रही है मेरे को, चेक मिल रही है, तो मैंने यहां पे लिखा टू दिनेश अकाउंट, 360 रुपीज की चेक मिली है और 10 रुपए का क्या है डिस्काउंट है। उसके बाद क्या दे रखा है कि अप्रैल 15 पेड टू राम बाय चेक रुपीज 165, ही अलाउड अस डिस्काउंट रुपीज 5। तो मैंने क्या करा है, राम को पेमेंट करा है चेक से, तो बाय राम अकाउंट 165 रुपीज की चेक दे रखी है और बच्चे मेरे को 5 रुपए का डिस्काउंट मिला है। इसके बाद क्या दे रखा है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम के रुपीज 265 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट रुपीज 5। तो कैश मिल रहा है मेरे को, किससे मिल रहा है, के से मिल रहा है, कब मिल रहा है 17th अप्रैल को, तो टू के अकाउंट कितना कैश मिल रहा है, 265 रुपीज का कैश मिल रहा है और 5 रुपए का क्या डिस्काउंट मैंने अलाउ कर रखा है। उसके बाद अप्रैल 18 में क्या दे रखा है कि बॉट फर्नीचर फ्रॉम मोहन एंड पेड हिम बाय चेक। बच्चे मैंने फर्नीचर परचेज करा है अप्रैल 18 में, तो बाय फर्नीचर अकाउंट कितना 300 रुपीज और बच्चे मैंने इनको चेक में पेमेंट कर रखा हुआ है। फिर ड्रू फ्रॉम बैंक रुपीज 90, बच्चे मैंने बैंक से 90 रुपीज विड्रॉ कर रखे हैं, विड्रॉ करूंगा तो मेरी क्या होगी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, मैंने यहाँ पे लिखा अप्रैल 19, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मैंने यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और 90 रुपीज मैंने निकाले हैं, तो 90 मैंने यहाँ पे लिख दिया और बच्चे यहाँ पे मैंने लिख दिया सी कॉन्ट्रा एंट्री है ये, और 19 अप्रैल को मैंने यहाँ पे लिखा बाय कैश अकाउंट और मैंने यहाँ पे लिखा 90 रुपीज बैंक के कॉलम में और ये क्या है कॉन्ट्रा एंट्री है। इसके बाद क्या दे रखा है अप्रैल 20 पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 53, तो मैंने यहां पे लिखा अप्रैल 20 बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट कितने का एक्सपेंस पे करा है, 53 का पे करा है, किसमें करा है कैश में करा है। अप्रैल 21 रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुभाष रुपीज 255 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट रुपीज 5। और बच्चे इसके बाद मैंने एक एरो बना रखा था कि जो चेक मिली है सुभाष की वो मैंने 24th अप्रैल को डिपॉजिट करी है, तो बच्चे 21st अप्रैल को मैं क्या करूंगा उसे अपना कैश रिसिप्ट दिखाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू सुभाष अकाउंट 255 रुपीज मैंने कैश में लिखा और 5 रुपीज मैंने कहां पे लिखा डिस्काउंट कॉलम में लिख दिया। फिर बच्चे 24th अप्रैल को मैंने क्या करा है इस चेक को डिपॉजिट करा है बैंक में, तो मैंने यहां पे लिखा 24th अप्रैल टू कैश अकाउंट और बच्चे ये मेरी क्या बनेगी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, तो मैंने यहां पे लिखा 255 और मैंने यहां लिखा 24th अप्रैल बाय बैंक अकाउंट 255 और बच्चे मेरी क्या हुई कॉन्ट्रा एंट्री बन के तैयार हो गई। फिर बच्चे मैंने 25th अप्रैल को सैलरी पे कर रखी है कितनी 156 रुपीज की, तो मैंने यहां पे लिखा 25th अप्रैल बाय सैलरी अकाउंट कितनी सैलरी पे करी है 156 रुपीज की सैलरी पे कर दी है। फिर बच्चे 25th अप्रैल को सुभाष चेक वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड, सुभाष की जो चेक है वो डिसऑनर हो गई है, तो बच्चे मैं क्या करूंगा सुभाष के चेक के डिसऑनर के लिए एक एंट्री बनाऊंगा, वो क्या होगी डेटर टू पेई। तो बच्चे डेटर कौन है सुभाष है और पेई कौन है, मैं खुद पेई हूं, तो बच्चे मैं कहां से पास करूंगा एंट्री, बैंक अकाउंट के थ्रू पास करूंगा,
तो डेटर टू बैंक मतलब सुभाष टू बैंक, तो मैंने यहाँ पे लिखा 25 अप्रैल और यहाँ पे लिखा बाय बाय सुभाष अकाउंट, बाय सुभाष अकाउंट। तो बच्चे 255 की जो चेक थी वो डिसऑनर हो गई, तो 255 रुपीस मैंने बैंक कॉलम में लिख दिया। और बच्चे 5 रुपए का मैंने डिस्काउंट सुभाष को दे रखा था, उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरे को पेमेंट ही नहीं रिसीव हुई तो बच्चे मैं किस बात का डिस्काउंट दूंगा सुभाष को। उसके बाद क्या दे रखा है कि 26 अप्रैल पेड ऑक्ट्राई बाय चेक। तो बच्चे ऑक्ट्राई मेरा क्या होता है, बिजनेस का एक एक्सपेंस होता है जो मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो बाय ऑक्ट्राई अकाउंट, बाय ऑक्ट्राई अकाउंट, और चेक से पेमेंट हो रहा है तो 10 रुपीज का पेमेंट मैंने दिखा दिया बैंक के कॉलम में। फिर 27 अप्रैल को कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹100, मैंने 100 रुपीज का कैश बैंक में डिपॉजिट करा है। तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मैंने यहां लिखा 27 अप्रैल टू कैश अकाउंट, मैंने 100 रुपीज डिपॉजिट करा है बैंक में। मैंने यहां पे लिखा 27 अप्रैल बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, और बच्चे मैंने यहां पे लिखा 100 रुपीज। और बच्चे ये क्या है, मेरी कॉन्ट्रा एंट्री है, तो मैंने सी भी लिख दिया। फिर इसके बाद जो मेरा लास्ट ट्रांजैक्शन है, क्या दे रखा हुआ है कि विथड्रॉ बाय चेक फॉर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस ₹40। तो बच्चे मैंने 40 रुपीज विदड्रॉ कर रखे 29 अप्रैल को, तो मैंने यहां लिखा बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, और बच्चे मैंने चेक से विदड्रॉ करे तो मैंने बैंक कॉलम पे लिख दिया। तो बच्चे मैंने अपने सारे ट्रांजेक्शन को अकाउंट फॉर कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, अपने कैश बुक को फिनिश करके क्लोजिंग बैलेंसेस निकालना। तो बच्चे अगर मैं डिस्काउंट का टोटल देखना चाहूं तो डिस्काउंट का टोटल क्या आएगा, डेबिट का 20 रुपीज आएगा और क्रेडिट का 10 रुपीज आ जाएगा। फिर बच्चे मैं अगर कैश का टोटल करता हूं तो कैश का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, कैश का जो टोटल आएगा वो आएगा 1185। अगर मैं इसमें से अपने कैश के पेमेंट्स लिस्ट कर दूं तो कितना आएगा, 146 रुपीज। तो मैंने यहां पे लिखा 30 अप्रैल बाय बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा मेरे बैंक साइड का टोटल क्या आएगा, तो बैंक साइड का जो टोटल है, तो अगर मैं देखूं मेरे को लग रहा है कि मेरा डेबिट बैलेंस ज्यादा निकल के आएगा इस पर, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा होगा। तो मैंने पहले क्या करा, डेबिट का टोटल करा, तो 150 + 800 + 200 + 360 + 255 + 100, तो बच्चे ये आ रहा है टोटल 1865। इसमें से अगर मैं लेस करता हूँ 400, 140, 160, 165, 300, 90, 255, 10 और 40, तो बच्चे जो मेरा बैंक का बैलेंस निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 305 आ रहा है। तो बच्चे हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी कैश बुक का कर लिया। तो बच्चे इसी तरह से मैंने सिंगल कॉलम कैश बुक के कुछ क्वेश्चंस कराए, डबल कॉलम कैश बुक के कुछ क्वेश्चंस कराए, ट्रिपल कॉलम कैश बुक के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए। तो बच्चे इतने क्वेश्चंस कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। इसमें मैंने सब वैरायटी के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी कि सब वैरायटी के जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बच्चे इन क्वेश्चंस में ऑलरेडी मैंने कवर कर लिए। तो अब मेरे को जो शुरू करना है उसका नाम क्या है, पेटी कैश बुक। तो चलो बच्चे अब हम लोग क्या करते हैं, पेटी कैश बुक में आते हैं। पेटी कैश बुक। तो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा लिखिएगा, इन बिजनेस देयर आर many petty expenses, there are many petty expenses which are paid in cash. If all these petty expenses
इफ ऑल दीज पेटी एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक then this book becomes voluminous and heavy and a lot of valuable time is wasted. Therefore, to save time, a separate book is kept. For petty expenses, and this book is called petty cash book. Examples अगर मैं लिखना चाहूँ petty expenses के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएगा, पोस्टेज, रिफ्रेशमेंट, स्टेशनरी, कार्टेज एटसेट्रा. तो चलो बच्चे अब समझने की कोशिश करना. अभी तक जो हम लोग कैश बुक बनाते थे तो जो हमारा अकाउंटेंट था, जो हमारा मेन कैशियर था, वो बच्चे कैश बुक बनाता था. ठीक है, तो बच्चे जो ये मेरी कैश बुक बनती थी, जैसे ही कोई पेमेंट मेरे को रिसीव होती थी वो बच्चे कैश बुक को डेबिट करता था, और बच्चे जैसे ही मैंने कोई एक पेमेंट करी तो वो कैश बुक को क्या करता था, क्रेडिट कर देता था. तो बच्चे वो ट्रांजेक्शन चलते चले आ रहे थे. बट क्या हुआ कि जैसे कि मेरे को पेमेंट्स को छोटे छोटे करने होते हैं बिजनेस में, जैसे कि मेरे को बहुत बार पोस्टेज के चार्जेस पे करने होते हैं, मतलब बहुत बार मेरे को पोस्ट भेजने पड़ते हैं लोगों को, तो बच्चे पोस्टेज के जो चार्जेस होते हैं वो जनरली 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए. तो अगर मैं बहुत ज्यादा पोस्टेज पे इनकर करता हूँ, मेरा जो बिजनेस ऐसा है कि मेरे को बहुत ज्यादा पोस्ट करने पड़ते हैं, तो बच्चे मेरे क्या होता है, ये छोटे मोटे चार्जेस से मेरा कैश बुक जो होता था वो बहुत बड़ा हो जाता था. या फिर एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ बच्चे, मेरे यहाँ ऑफिस में बहुत सारा स्टाफ है, और जो बच्चे स्टाफ जो है मेरे यहाँ वो रोज ओवरटाइम करता है. तो बच्चे जब वो ओवरटाइम करता है तो रोज मेरे को उनके लिए कुछ समोसे मंगाने पड़ते हैं, कुछ चाय नाश्ता मंगाना पड़ता है. तो बच्चे चाय नाश्ते का जो एक्सपेंस आता है रोज का, लेट्स टेक 40 रुपीज का आ रहा है. तो बच्चे मेरे को रोज 40 रुपीज पे करना पड़ता है. तो बच्चे इससे मेरे क्या होता है, मेरी कैश बुक में अननेसेसरी बहुत सारे ट्रांजेक्शन आ जाते हैं. तो इससे क्या होता है, मेरी कैश बुक जो होती है वो बड़ी हो जाती है. ठीक है, उसमें ट्रांजैक्शंस ज्यादा आ जाते हैं, तो कैश बुक क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, वॉल्यूमिनस हो जाती है, हैवी हो जाती है. तो बच्चे इन सब चीजों में जो हमारा मेन कैशियर होता है उसका बहुत सा टाइम वेस्ट होता है, जो ये डेली के रिकरिंग ट्रांजेक्शन को पोस्ट करने में उसका टाइम जो होता है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है. तो हम लोगों ने क्या सोचा कि जो ये मेरा मेन कैशियर था इनको थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाए, और बच्चे जो ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसके लिए मैं क्या करूं, एक छोटा सा एक बंदा अपॉइंट करूं जिसका नाम क्या रख दूं, मैं पेटी कैशियर जिसका मैं नाम रख दूं. और बच्चे इस पेटी कैशियर से मैं क्या बोलूंगा, आप एक अपनी पेटी कैश बुक बनाओ. पेटी का मतलब क्या हुआ बच्चा, स्मॉल. पेटी का मतलब ही क्या हुआ, स्मॉल, वेरी लेस. ठीक है, तो पेटी कैश बुक मतलब मेरे वो ट्रांजेक्शन जिनका वैल्यू बहुत कम होता है, और जिनके जो वॉल्यूम होता है, जिनका वैल्यू तो कम होता है पर जिनका वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा होता है.
तो इसके लिए मैंने क्या करा, एक बंदे को अपॉइंट करा जिसका नाम क्या था, पेटी कैशियर। तो ये क्या होता है, हमारे मेन कैशियर का छोटा भाई होता है। तो जो हमारा मेन कैशियर होता है वो कुछ पैसे निकाल के कैशबुक में से पेटी कैशियर को दे देता है, और पेटी कैशियर इस कैश से ये डेली के एक्सपेंसेस करता है, समोसे मंगाता है, पोस्टेज के चार्जेस पे करता है, स्टेशनरी के चार्जेस पे करता है। तो पेटी कैशियर टाइम टू टाइम क्या करता है, अपने बड़े भाई से मेन कैशियर से पैसे रिसीव करता है और टाइम टू टाइम क्या करता है, पेमेंट्स करते रहता है। फिर जब इसके पास पैसे खत्म होने को आ जाते हैं, वो फिर से अपने बड़े भाई से पैसे मांगता है और अपना हिसाब दिखाता है, अपनी कैशबुक दिखाता है उसको कि मैंने ये सब एक्सपेंसेस कर रखे हुए हैं, मेरा इतना एक्सपेंस हुआ है और मेरे को आप फिर से कुछ पैसे दे दीजिए जिससे कि मैं क्या करूंगा, फ्यूचर में फिर से एक्सपेंसेस कर पाऊंगा। तो ये मेरा पेटी कैशियर मेन कैशियर से बोलता है। तो बच्चे इसीलिए जरूरत पड़ेगी, हमें पेटी कैशबुक बनाना पड़ेगा कि मेरे जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के वो बहुत ज्यादा होते हैं, अगर वो सब मैं अपने मेन कैशबुक में लेकर आऊंगा तो बच्चे मेरा जो मेन कैशियर का टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, मोर ओवर मेरी कैशबुक जो होगी वो और मोटी होती जाएगी, ठीक है, वो और ज्यादा वॉल्यूमिनस होती जाएगी। तो इसीलिए मैंने क्या करा, एक पेटी कैशबुक बनाने का कॉन्सेप्ट लेकर आया कि मैं अपने एक बंदे को पेटी कैशियर बना दूंगा और वो क्या करेगा, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं रिकरिंग नेचर के जिनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है बट अमाउंट बहुत कम होता है, उसके लिए मैंने सोचा कि एक पेटी कैशबुक बना दूंगा जिससे कि मेरे लिए कन्वीनियंस हो सके, जब मेरे को कैशबुक देखना हो तो मेरे को ये सब छोटे मोटे एक्सपेंसेस ना देखने पड़े। कैशबुक में जो हो वो मेरे मेन ट्रांजेक्शन हैं और जो मेरे छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं वो कहां पे आएंगे, पेटी कैशबुक में आएंगे। और टाइम टू टाइम क्या करेगा, पेटी कैशियर अपनी कैशबुक मेन कैशियर को दिखाएगा कि उसने ये सब एक्सपेंसेस करे और टाइम टू टाइम मेन कैशियर क्या करेगा, उसको रिइंबर्समेंट करता रहेगा पेटी कैशियर को, जिससे कि वो फ्यूचर के एक्सपेंसेस इनकर करता रहे, जिससे कि वो फ्यूचर के एक्सपेंसेस इनकर करता रहे, ठीक है। तो अब चलो और आगे लेके चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। तो बच्चे पेटी कैशबुक होती है वो हम लोग दो सिस्टम्स के अंदर बनाते हैं, एक होता है हमारा इंप्रेस सिस्टम और एक होता है नॉन इंप्रेस सिस्टम। एक होता है हमारा इंप्रेस सिस्टम और दूसरा कौन सा होता है, नॉन इंप्रेस सिस्टम। तो बच्चे इंप्रेस सिस्टम में क्या होता है कि हमने फिक्स कर दिया कि जो हमारा कैशियर है, हमारा जो कैशियर है पेटी कैशियर है, उसके पास मैक्सिमम जो है वो मंथ में 2000 रुपीज रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट टाइम उसको 2000 रुपीज दे दिए, ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम उसको 2000 रुपीज दे दिए, मतलब मैं एज अ मेन कैशियर मैंने अपने पेटी कैशियर को 2000 रुपीज दिए और इससे बोला कि आप अपने एक्सपेंसेस करते रहो। तो पेटी कैशियर ने पूरे मंथ में 1500 रुपीज के एक्सपेंसेस करे और 500 रुपीज अभी भी उसके पास है, 500 रुपीज अभी भी है। तो जब मंथ एंड हुआ पेटी कैशियर मेरे पास आया और दिखाने लगा कि मैंने 1500 रुपए इन सब चीजों में इनकर करे, लेट्स से कन्वेंस में इनकर करे, रिफ्रेशमेंट में इनकर करे, स्टेशनरी में इनकर करे और पोस्टेज एंड ऑल में इनकर करे। तो इन सब चीजों पे मैंने क्या करा, खर्चे कर रखे हुए और टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, 1500 रुपीज का हुआ है। आपने मेरे को 2000 रुपीज दिया था, मेरे पास अभी भी 500 रुपीज है। तो हमने फिक्स कर रखा है कि हर मंथ में हम क्या करेंगे, आपको रिइंबर्समेंट करेंगे या हर वीक आपको रिइंबर्समेंट करेंगे। एक टाइम साइकिल हम लोग फिक्स कर लेते हैं, एक टाइम साइकिल हमने फिक्स करी और बच्चे मैंने इसको कितना फिर से रिइंबर्समेंट कर दिया, 1500 रुपीज का रिइंबर्समेंट कर दिया मंथ के फर्स्ट डेट को, जिससे कि इसके पास फिर से 2000 रुपीज हो जाए, 2000 रुपीज इसके पास फिर से हो जाएंगे और ये फिर से नेक्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस करेगा। लेट्स टेक जो नेक्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, 1800 रुपीज है। तो बच्चे अभी इनके पास 200 रुपीज है, मैं फिर से क्या करूंगा, 1800 रुपीज का रिइंबर्समेंट कर दूंगा, तो जिससे कि इनके पास फिर से 2000 रुपए आ जाए। तो हम लोग फिक्स कर देते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट एक पेटी कैशियर कितना होल्ड कर सकता है, वो हमने क्या करा, 2000 रुपीज कर दिया और टाइम टू टाइम हम क्या करते जाएंगे, रिइंबर्समेंट करते जाएंगे। तो बच्चे रिइंबर्समेंट कितना होगा, रिइंबर्समेंट हमेशा हमारा एक्सपेंसेस के इक्वल होगा। अगर मैं देखना चाहूं बच्चे 1500 रुपए खर्चा किए तो बच्चे 1500 रुपए ही तो मिल रहे हैं, अगर 1800 रुपए खर्चा किए हुए, 1800 रुपए का एक्सपेंस है तो 1800 रुपए ही तो मिल रहे हैं, मतलब
इम्प्रेस सिस्टम में हमेशा जो रिइंबर्समेंट हमारा होगा, रिइंबर्समेंट हमारा जो होगा वो हमेशा हमारा टोटल एक्सपेंसेस के बराबर होगा। टोटल एक्सपेंसेस जो मैंने कर रखे होंगे उस पीरियड के, उसके हमेशा बराबर होगा क्या मेरा रिइंबर्समेंट। ये चीज मेरे को मालूम हो गई। और इम्प्रेस सिस्टम में हमने फिक्स कर दिया कि इतना अमाउंट मेरे कैशियर के पास रहना है, इससे ज्यादा अमाउंट मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा रखने के लिए। बट बच्चे जो नॉन इम्प्रेस सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, हम फिक्स कर देते हैं कि आपको मैं हर महीने 2000 रुपए दूंगा, आप जितना भी एक्सपेंस करो। तो बच्चे मैंने क्या करा, पहले आपको 2000 रुपए दिया, आपने एक्सपेंस करा 1500 रुपीज का, अब आपके पास कितना है 500 रुपीज है। तो बच्चे जैसे ही नेक्स्ट मंथ आया मैंने फिर से 2000 रुपीज दे दिया, अब इनके पास कितना हो गया 2500 रुपीज। फिर बच्चे इन्होंने एक्सपेंसेस किए लेट्स से 1500 रुपीज के, अभी भी इनके पास कितना है 1000 रुपीज है, बट बच्चे मैं इनको अभी भी 2000 रुपीज ही दे रहा हूँ। मतलब मैंने अमाउंट एक फिक्स कर दिया कि मेरे को इतना अमाउंट हर मंथ देना ही देना है। तो बच्चे इस केस में, नॉन इम्प्रेस सिस्टम के केस में कभी भी हमारा रीइंबर्समेंट टोटल एक्सपेंस के बराबर नहीं होता, बट हमारा इम्प्रेस सिस्टम में रीइंबर्समेंट जो हमारा होता है वो हमारा टोटल एक्सपेंसेस के बराबर होता है। नॉन इम्प्रेस सिस्टम में हमें क्या मिलता है, एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, फिक्स्ड अमाउंट जो हम लोग फिक्स कर लेते हैं। तो जो भी टाइम इंटरवल होगा, जो भी टाइम इंटरवल फिक्स कर रखा होगा मेन कैशियर और पेटी कैशियर में, तो उन दोनों के बीच में जो भी टाइम इंटरवल फिक्स है उसमें इनको क्या मिलता होगा, फिक्स्ड अमाउंट मिलता होगा। वेयर एज यहां पे क्या मिलता होगा, रीइंबर्समेंट मिल जाता होगा टोटल एक्सपेंसेस का। तो बच्चे यहां पे भी जो हमारा पेटी कैशियर है वो भी अपने अकाउंट जाकर दिखाता होगा मेन कैशियर को, वो अपने अकाउंट जाके मेन कैशियर को दिखाएगा कि मैंने जो ये एक्सपेंसेस करे हैं वो इन सब पर्टिकुलर चीजों में करे हैं। तो मेन कैशियर क्या करता है, अपने पेटी कैशियर के काम को चेक करता है। ये क्या होता है, मेन कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या फिर मैं कह सकता हूँ ये मेन कैशियर की क्या होती है, ड्यूटी होती है कि अपने पेटी कैशियर का काम वो टाइम टू टाइम चेक करे कि वो कहाँ पे नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है। तो ये होता है बच्चे पेटी कैशबुक का एक कॉन्सेप्ट जो हमें मालूम होना चाहिए। एक होता है हमारा इम्प्रेस सिस्टम, एक होता है हमारा नॉन इम्प्रेस सिस्टम। तो चलो बच्चे अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू आपको फॉर्मेट बता दूंगा कि आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए होता है पेटी कैशबुक के लिए। तो मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो हम लोग ओपन करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 13, Prepare a petty cash book on the Impress system from the following. 2016 Jan 1 received rupees 100 for petty cash. तो बच्चे petty cashier को 100 rupees मिले किससे, main cashier से। फिर बच्चे Jan 2 paid bus fare half पैसा, Jan 2 paid cartage 2 rupees half पैसा, मतलब 2 rupees 50 पैसा sorry। Jan 3 paid for postage and telegrams 5 rupees. Jan 3 paid wages for casual laborers rupees 6. Jan 4 paid for stationery rupees 4. Jan 4 paid tonga charges rupees 2. Jan 5 paid for the repairs to chairs rupees 15. Jan 5 bus fare is rupees 1. Jan 5 cartage rupees 4. Jan 6 postage and telegram rupees 7, Jan 6 tonga charges rupees 3, Jan 6 cartage rupees 3, Jan 6 stationery rupees 2, and Jan 6 refreshment to customer rupees 5। तो बच्चे ये transactions दे रखे हुए हैं, और इतने छोटे छोटे amount के transactions दे रखे हुए हैं कि हम लोग ये transactions को अपने main cash book में incorporate नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या सोचा कि हमें जो एक पेटी कैशबुक बनानी चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और बच्चे जो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है वो किस में करना है, इम्प्रेस सिस्टम में सॉल्व करना है। तो इम्प्रेस सिस्टम का क्वेश्चन है, मतलब मेरे को क्या होता होगा, 100 रुपए हर बार मिल जाता होगा। और जो ये क्वेश्चन जो है जो दे रखा हुआ है, इसमें जो हम लोग रिइंबर्समेंट करते होंगे वो वीकली करते होंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक वीक का ट्रांजेक्शन दे रखे हुए हैं। तो ये मैंने क्या करा, एक अजम्पशन ले लिया कि हम लोग जो रिइंबर्समेंट करते होंगे इम्प्रेस सिस्टम में वो कब करते होंगे, वीकली करते होंगे, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक वीक के ट्रांजैक्शंस दे रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, एक पेटी कैशबुक बनानी है। और पेटी कैशबुक बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि मेरे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं।
मेरे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो मेरे को अकाउंट फॉर करने हैं। तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई करा कि मेरे को कौन कौन से खर्चे इनकर करने हैं जो मेरे मोस्ट कॉमन एक्सपेंसेस हैं। तो एक तो हो गया मेरा बस फेयर। बस फेयर का मतलब क्या हो गया, एक तो हो गया मेरा कन्वेंस का एक्सपेंस, फिर दूसरा मेरा कौन सा हो गया कार्टेज का एक्सपेंस, फिर मैंने देखा तीसरा जो एक्सपेंस है वो किसका है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। एक जो मेरा एक्सपेंस है वो किसका है, स्टेशनरी का है। और बच्चे एक जो एक्सपेंस है वो मेरा किसका है, वेजेस का है। तो बच्चे मैंने ये पांच एक्सपेंसेस देखे, क्योंकि बच्चे जो टोंगा चार्जेस होते हैं वो भी क्या होता है, मेरा कन्वेंस का एक्सपेंस होता है। टोंगा आपने देखा होगा, ऐसे एक गाड़ी छोटी सी होती है उसमें ऐसे टायर्स लगे होते हैं, तो यहाँ पे ऐसे करके एक हॉर्स होता है ऐसे, जो इस गाड़ी को क्या करता है, पुल करता है, तो वो क्या होता है, टोंगा बोलते हैं हम लोग उसे। जैसे कि आपने दे रखा होगा बसंती, आपने देख रखी होगी जो शोले मूवी में थी, तो बसंती क्या, सॉरी मैं धन्नो जो नहीं होती थी, बसंती धन्नो को चलाती थी शोले मूवी में, तो बच्चे वही ऐसे ही कुछ होता है टोंगा। तो वो क्या होता है, हम लोग कन्वेंस के लिए यूज करते हैं, तो टोंगा भी मेरा क्या होगा, कन्वेंस का एक्सपेंस होगा। और बच्चे रिपेयर्स टू चेयर्स को मैं एक संडली एक्सपेंसेस में डाल दूंगा, क्योंकि मेरे पास लिमिटेशंस होती है कॉलम्स बनाने की, तो मैंने ये सोचा कि रिपेयर्स टू चेयर मैं किस में डाल दूंगा, संडली एक्सपेंसेस में डाल दूंगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम पर डाल दूंगा, बाकी सब बच्चे मेरे वही सब एक्सपेंसेस हैं, इतने में मेरा काम हो जाएगा। तो चलो बच्चे अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या बनाना है, पेटी कैशबुक बनानी है। तो पेटी कैशबुक मैंने यहाँ पे लिखा, पेटी कैशबुक। तो सबसे पहले बच्चे मेरे को बना लेने दीजिए, फिर आप लोग क्या करेगा, आप लोग बनाएगा। तो पहले आप हमें क्या करना है, इसका फॉर्मेट समझना है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 है। तो सबसे पहले मेरे साथ आप लोग फॉर्मेट समझने की कोशिश करना। अब बच्चे पेटी कैश बुक में मेरे पास एक्सपेंसेस इतने होते हैं, बट बच्चे रिसिप्ट किसी भी तरीके की नहीं होती। रिसिप्ट सिर्फ मेरी क्या होती है, जो मेरा मेन कैशियर मेरे को रिइंबर्समेंट करता है। तो बच्चे मेरी क्या होगी, जो रिसिप्ट होंगी वो लिमिटेड होंगी, बट जो मेरी पेमेंट्स होंगी वो बहुत ज्यादा होती है। तो मैंने ये सोचा कि रिसिप्ट कॉलम को इतना बड़ा बना के क्या जरूरत है। डेबिट का जो हम लोग कॉलम बनाते थे हाफ पेज का, अगर मैं पेज को हाफ में डिवाइड कर लूं, तो मेरा जो डेबिट कॉलम का जो कॉलम, डेबिट साइड का जो कॉलम होता था वो बच्चे मैं हाफ पेज का तो अप्रोक्स बनाता था। बट मैंने सोचा कि यार जब मेरे इतने रिसिप्ट्स ही नहीं है तो मैं इतना बड़ा कॉलम क्यों बनाऊं। तो मैंने सोचा कि रिसिप्ट का मैं जो कॉलम बनाऊंगा वो सबसे छोटा होगा, मतलब रिसिप्ट्स के कॉलम को मैंने सबसे पहले लिख लिया। तो रिसिप्ट्स मैंने यहाँ पे लिखा, फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पे, डेट। फिर मैंने यहाँ पे लिखा वाउचर नंबर, कि हम लोग जो ये एक्सपेंसेस कैशबुक में एंटर कर रहे हैं उसके लिए कुछ बेसिस भी तो होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा वाउचर नंबर, किस वाउचर के बेसिस में हम लोग अपने एक्सपेंसेस लिख रहे हैं, किस पे, पेटी कैशबुक में। फिर बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर्स, और मैंने यहाँ पे एक बनाया टोटल का कॉलम, टोटल। और फिर बच्चे जितने भी मैंने कॉलम्स आइडेंटिफाई किए थे वो सारे मैं लिख लेता हूँ, मेरे को सबके सेपरेट कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कन्वेंस, फिर दूसरा था मेरा कार्टेज, मैंने एक और सोचा था कौन सा, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। एक मैंने सोचा था वेजेस का, और जो मेरा लास्ट है वो क्या होगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का। इतने कॉलम्स मेरे को ड्रॉ करने पड़ेंगे, मतलब मैं मेरे जो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे मेरे को सबसे पहले क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे को कितने कॉलम्स बनाने की रिक्वायरमेंट है। ये मेरे को क्वेश्चन रीड करके समझ में आ जाएगा, मेरे को एक जजमेंट लेना पड़ेगा कि मेरे को इतने कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। और बच्चे मेरे को एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस का कॉलम भी बनाना होगा, जिससे कि अगर कोई भी एक्सपेंस इन सब कॉलम्स में ना आ सके तो इस पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंस आ सकेगा। तो ये क्या होगा कि मैं जब क्वेश्चन रीड करूंगा तब मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करा। अब मैं क्या करता हूँ, कॉलम्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आप लोग भी पहले क्या करिए,
कॉलम्स के नाम नोट डाउन कर लीजिए और मेरे साथ क्या करिए, कॉलम्स को ड्रॉ कर लीजिए। तो आप लोगों ने कॉलम्स को ड्रॉ कर लिया होगा। तो चलो बच्चे, अब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 है। अब बच्चे एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ते जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने पेटी कैश बुक में इसको रिकॉर्ड करते जाते हैं। सबसे पहले जो मेरा ट्रांजैक्शन क्या है, 2016 का है, जनवरी 1। सबसे पहले बच्चे मेरे को 100 रुपीज रिसीव हुए हैं। किससे रिसीव हुए होंगे, मेन कैशियर से रिसीव हुए होंगे। तो बच्चे जब मेरे को कुछ रिसीव होता है तो मैं क्या करता हूँ, टू कैश अकाउंट, मेरे को मेन कैश अकाउंट से पैसा रिसीव हुआ है तो मैं क्या करूंगा, पेटी कैश के अकाउंट को डेबिट करूंगा। क्योंकि बच्चे मेरे पेटी कैश बुक में क्या आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, मेरे पास कैश आ रहा है, मेरे पास एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चे पेटी कैश अकाउंट को मैं क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। तो पेटी कैश के अकाउंट को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू कैश अकाउंट। अब बच्चे मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो मैंने अपने रिसिप्ट साइड पे लिखा कितना, 100 रुपीस। मैंने 100 रुपीस कहाँ पे लिखा, रिसिप्ट साइड पे लिखा। फिर मैंने देखा जनवरी 2nd पेड बस फेयर, मैंने बस के फेयर को पे करा, तो मैंने यहाँ पे लिखा जनवरी 2nd बाय कन्वेंस, बाय कन्वेंस। तो बच्चे समझने की कोशिश करना, मैंने बस फेयर पे करा तो कन्वेंस के एक्सपेंसेस को इनकर करा है, तो मैंने कन्वेंस की कॉलम में लिखा 0.50। अब बच्चे मैंने टोटल की कॉलम में भी कितना लिखा, 0.50। अब बच्चे जब हम लोग नॉर्मल अपने अकाउंट्स बनाते थे, अपनी कैशबुक बनाते थे, तो हम लोग पर्टिकुलर्स के दो कॉलम से बनाते थे। बट इसमें मैंने क्या करा, पर्टिकुलर का सिर्फ एक ही कॉलम बना रखा है और उसी में मैं दोनों की अकाउंटिंग कर रहा हूँ। मतलब अपने डेबिट साइड के ट्रांजेक्शन की भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और क्रेडिट साइड के भी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैंने ऐसा पेटी कैशबुक के केस में इसलिए करा क्योंकि मेरे जो पेटी कैश के जो रिसिप्ट्स होती हैं वो बच्चे लिमिटेड होती है। मतलब एक रिसिप्ट होती है जो हमें मेन कैशियर से मिलती है, बट बच्चे मेरे एक्सपेंसेस इतने सारे होते हैं। तो सिर्फ एक रिसिप्ट के लिए हम लोग एक और पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाए, तो ये बच्चे हमारे लिए क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। मोर ओवर हमारे पास इतना बड़ा पेज भी नहीं होता कि एग्जाम में हम मैनेज कर सके इतने सारे कॉलम्स एक पेज में। इसीलिए हम लोगों ने क्या सोचा, सिर्फ हम लोग एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे और इसी में डेबिट के भी और क्रेडिट के भी ट्रांजेक्शन नोट डाउन करेंगे। डेबिट के ट्रांजेक्शन के लिए मैंने एक रिसिप्ट का कॉलम अलग से बना दिया जिससे कि क्या हो, कंफर्टेबिलिटी रहे। फिर क्या हुआ, जनवरी 2 में मैंने कन्वेंस का एक्सपेंस पे करा। फिर बच्चे जनवरी 2 में मैंने कुछ कार्टेज का भी एक्सपेंसिस पे करा, तो मैंने यहां लिखा बाय कार्टेज कितना, 2.50। मैंने ये अमाउंट टोटल कॉलम में भी लिख दिया। इसके बाद क्या दे रखा है कि पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम ₹5। तो बच्चे मैंने पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे करा है, तो मैंने यहां लिखा जनवरी 3rd बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना, ₹5 का मैंने पोस्टेज एंड टेलीग्राम में लिख दिया और मैंने यहाँ पे टोटल पे भी लिख दिया। फिर पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबरर्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा Jan 3rd बाय वेजेस मैंने कितनी पे करी है, ₹6 पे करी है, तो मैंने ₹6 वेजेस के कॉलम में लिखा और टोटल के कॉलम में कितना लिख दिया, ₹6 लिख दिया। उसके बाद क्या है कि पेड फॉर स्टेशनरी, तो बच्चे 4th Jan को मैंने स्टेशनरी का पेमेंट करा, तो मैंने यहाँ लिखा बाय स्टेशनरी कितना पेमेंट करा है स्टेशनरी का, ₹4 का रखा है, तो बच्चे मैंने स्टेशनरी के कॉलम में ₹4 लिखा और टोटल के कॉलम में भी ₹4 लिख दिया। फिर इसके बाद पेड टोंगा चार्जेस, तो बच्चे मैंने फिर से कन्वेंस पे कर रखा हुआ है, तो मैंने यहां लिखा बाय कन्वेंस कितना कन्वेंस मैंने पे कर रखा हुआ है, ₹2 का, मैंने यहां लिखा ₹2 और टोटल में भी ₹2 लिख दिया। पेड फॉर द रिपेयर्स टू चेयर ₹15, बच्चे रिपेयर्स के लिए मैंने कोई भी कॉलम नहीं बना रखा, तो मैंने यहां पे क्या लिखा कि बाय रिपेयर्स और बच्चे मैंने इसको क्या करा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले कॉलम पे लिख दिया कितना, ₹15।
फिर बस फेयर मैंने पे करा है, मतलब फिर से कन्वेंस का एक्सपेंस इनकर करा है, तो जैन 5 बाय कन्वेंस कितना 1 रुपीस, 1 रुपीस का कन्वेंस इनकर कर रखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या दे रखा हुआ है कि कार्टेज मैंने पे करा है 4 रुपीस, तो 4 रुपीस का कार्टेज पे करा है मैंने, तो 5th Jan बाय कार्टेज कितना 4 रुपीस। फिर 6th Jan को पोस्टेज एंड टेलीग्राम के 7 रुपीस पे करें, तो मैंने यहां पर लिखा 6th Jan बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना मैंने पे करा है पोस्टेज एंड टेलीग्राम का, 7 रुपीस मैंने पोस्टेज एंड टेलीग्राम का पे कर रखा है, तो मैंने पोस्टेज एंड टेलीग्राम के कॉलम में लिखा और अपने टोटल के भी कॉलम में लिख लिया, मैंने अपने टोटल के कॉलम में भी लिख लिया। फिर बच्चे फिर से टोंगा चार्जेस पे करें, तो ये क्या है मेरा कन्वेंस का एक्सपेंस है, तो मैंने यहां लिखा बाय कन्वेंस कितना पे करा है टोंगा चार्जेस, 3 रुपीज टोंगा चार्जेस मैंने क्या करा है पे कर रखा होगा। उसके बाद मैंने फिर से कार्टेज पे करी है, तो कार्टेज के लिए मैंने लिखा बाय कार्टेज कितना 3 रुपीज, तो बच्चे मैंने कार्टेज के कॉलम में लिखा 3 रुपीज और मैंने टोटल के कॉलम में भी 3 रुपीज लिख लिया। फिर मैंने स्टेशनरी के 2 रुपीज पे करे, तो मैंने आप लिखा बाय स्टेशनरी कितना 2 रुपीज और मैंने टोटल के कॉलम में भी 2 रुपीज लिख लिया। फिर बच्चे रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, तो मैंने क्या करा है रिफ्रेशमेंट का कोई कॉलम नहीं बना रखा है, तो मैंने यहां पे लिखा बाय जनरल एक्सपेंसेस, या मैं डायरेक्टली लिख देता हूं बाय रिफ्रेशमेंट और मैंने इसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिख दिया कितना 5 रुपीज। ठीक है, तो बच्चे अब समझने की कोशिश करना, इतने सारे ट्रांजेक्शन हो गए सिर्फ एक वीक में, अगर मैं ये सारे ट्रांजेक्शन अपने कैशबुक में लिखता तो बच्चे मेरा कैशबुक कितना बड़ा हो जाता। ये अननेसेसरी के ट्रांजेक्शन, मतलब 6 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए, 15 रुपए के इतने छोटे छोटे अमाउंट के ट्रांजेक्शन अगर मैं अपने कैशबुक में लिखूंगा तो मेरी कैशबुक कितनी बड़ी हो जाएगी। तो अपने कैशबुक को कॉम्पैक्ट करने के लिए मैंने क्या करा, एक पेटी कैशबुक बनाई जिसमें कि मैं अपने पेटी एक्सपेंसेस जो है बिजनेस के रिकॉर्ड कर सकूं। तो बच्चे ये सारे ट्रांजेक्शन थे जो मैंने क्या करा अकाउंट फॉर कर लिया, तो मैंने क्या करा अब सारे एक्सपेंसेस का यहाँ पे टोटल करा, मैंने यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस का क्या करा टोटल करा। तो बच्चे अगर मैं टोटल करता हूं तो टोटल कितना आएगा, अगर मैं टोटल करता हूं तो कितना आएगा, तो बच्चे टोटल जो आ रहा है 60 रुपीज का आ रहा है, कन्वेंस का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 6.50, कार्टेज का आ रहा है 9.50, स्टेशनरी का आ रहा है 6 रुपीज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का आ रहा है 12 रुपीज, 6 रुपीज आ रहा है वेजेस का, और बच्चे 20 रुपीज आ रहा है किसका मिसलेनियस एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है। तो ये सारे टोटल मैंने क्या करा कर दिए, अगर मैं इधर साइड से भी टोटल करता हूं तो 60 रुपीज ही आना चाहिए। तो बच्चे मैंने टोटलिंग कर लिया, इसका मतलब मेरे पास आज के दिन में अभी कितना कैश होगा, अगर मेरा रिसिप्ट साइड का टोटल कितना आएगा, रिसिप्ट साइड का अगर मैं टोटल करता हूं तो आ रहा है 100 रुपीज, अगर मैं रिसिप्ट साइड का टोटल करूंगा तो 100 रुपीज आएगा, और बच्चे मेरे पेमेंट साइड का जो टोटल है वो कितना आ रहा है 60 रुपीज आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब मेरा जो बैलेंस होगा मेरे पास कैश होगा कितना होना चाहिए 40 रुपीज होना चाहिए, और मेरा टोटल कितना होना चाहिए, मेरा टोटल होना चाहिए 100 रुपीज का। तो बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा रिसिप्ट साइड में भी 100 रुपीज का टोटल, 100 रुपीज का टोटल होना चाहिए। फिर बच्चे जो ये बैलेंसेस होते हैं ये मैं नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करके ले जाता हूँ, या मैं कह सकता हूँ नेक्स्ट वीक में मैं कैरी फॉरवर्ड करके ले जाऊंगा। तो बच्चे जब मैं नेक्स्ट वीक में जाता हूँ तो मैं मेरी नेक्स्ट वीक कब से शुरू होगी, 8th Jan से, क्योंकि 7th को हॉलीडे होना चाहिए, अगर वीक में 7 डेज हैं तो एक दिन मैंने अज्यूम क्या करा कि 7th Jan को संडे होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आ गया जैन 8 में मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और कितना बैलेंस मैं ब्रॉड डाउन करके ला रहा हूं, मैं कितना बैलेंस ब्रॉड डाउन करके ला रहा हूं 40 रुपीज का बैलेंस मैं ब्रॉड डाउन करके ला रहा हूं। ठीक है, 40 रुपीज का मैंने बैलेंस क्या करा ब्रॉड डाउन करके मैं लेकर आया, और बच्चे मेरे को फिर से रिइंबर्समेंट मिलेगा, तो रिइंबर्समेंट कितना मिलेगा जितना मैंने टोटल एक्सपेंसेस का रखा है, या फिर मेरे को मैक्सिमम 100 रुपीज रखने हैं, तो 100 में मेरे पास 40 ऑलरेडी है, तो मेरे को कितना मिलना चाहिए 60 रुपीज का मिलना चाहिए,
तो मैंने यहाँ पे लिखा टू कैश अकाउंट और मैंने रिसिप्ट साइड में लिखा कितना 60 रुपीज। मैंने यहाँ पे रिसिप्ट साइड में कितना लिखा 60 रुपीज मेरे को मेन कैशियर से रिसीव हो गया होगा। तो बच्चे ये मेरे को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेटी कैश बुक में मेरे को रिम्बर्समेंट कितना मिल रहा है ये मेरे लिए निकालना बहुत जरूरी है। इसी के क्या होते हैं नंबर मिलते हैं हमें कि हम लोग अपना रिम्बर्समेंट सही निकाल लें कि नहीं निकाल लें। तो हमारा जो इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है जो भी हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं उसी का मेरे को क्या मिलता है रिम्बर्समेंट मिलता है। तो बच्चे मेरा रिम्बर्समेंट कितना होगा 60 रुपीज होगा। मतलब मैंने 60 के एक्सपेंसेस किए हैं तो मेरे को रिम्बर्समेंट कितने का होना चाहिए 60 का होना चाहिए। या फिर 100 में से अगर मैं 40 माइनस कर दूं तो मेरे को 60 का रिम्बर्समेंट मिलना चाहिए। तो बच्चे ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लिया। तो चलो बच्चे एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं पेटी कैश बुक से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 15 प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बच्चे मेरे को इम्प्रेस सिस्टम में बनाना है पेटी कैश बुक। 2019 अप्रैल 1 रिसीव्ड रुपीज 20,000 फॉर पेटी कैश। तो अप्रैल 1 को मेरे को 20,000 रुपीज पेटी कैश के मिल गए। फिर 2 अप्रैल को मैंने ऑटो फेयर पे करा है कितने का 500 रुपीज का मैंने ऑटो फेयर पे करा। 3 अप्रैल को मैंने कार्टेज पे करी है कितनी पे करी है 2500 रुपीज की। अप्रैल 4 को मैंने पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे करा है 500 रुपीज का। अप्रैल 5 को मैंने वेजेस पे करी है कितनी 600 रुपीज की। फिर से अप्रैल 5 को मैंने स्टेशनरी का एक्सपेंस पे करा है कितना 400 रुपीज का। अप्रैल 6 को मैंने रिपेयर्स टू मशीनरी पे करा है कितना 1500 रुपीज का। अप्रैल 6 को मैंने बस फेयर भी पे करा हुआ है 100 रुपीज का। अप्रैल 7 को मैंने कार्टेज का एक्सपेंस पे करा है कितना 400 रुपीज का। अप्रैल 7 को पोस्टेज एंड टेलीग्राम भी पे कर रखा हुआ है 700 रुपीज का। अप्रैल 8 को मैंने कार्टेज के एक्सपेंसेस 3000 के पे करे हैं। अप्रैल 9 को मैंने स्टेशनरी का एक्सपेंसेस पे करा है कितना 2000 रुपीज का। और अप्रैल 10 को संडे एक्सपेंसेस जो पे कर रखे हुए हैं वो कितना 5000 रुपीज के पे कर रखे हुए। तो बच्चे मेरे को 20,000 रुपीज मिला और बच्चे मैंने इतने सारे एक्सपेंसेस इनकर कर रखे हैं। तो मेरी रिसिप्ट एक है एक्सपेंसेस इतने सारे हैं तो मैं कौन सी बुक बनाऊंगा अपनी पेटी कैश बुक बनाऊंगा। पेटी कैश बुक के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि आप लोगों को कुछ कॉलम्स को आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरे को कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं। तो बच्चे कॉलम्स क्या होते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं कि जितने कॉलम्स की मेरे को रिक्वायरमेंट होगी उतने कॉलम्स मैं अपने अकॉर्डिंग बना लूंगा। तो सबसे पहले मैंने देखा कि ऑटो फेयर बस फेयर ये सब फेयर्स इनकर हो रहे हैं तो मैंने क्या करा एक सोचा एक जो कॉलम मैं बनाऊंगा वो क्या होगा कन्वेंस का। कन्वेंस का मेरे को एक कॉलम बनाना है। फिर बच्चे मैंने देखा कि कार्टेज का भी काफी एक्सपेंस है तो मैंने सोचा कि चलो भाई एक कार्टेज का भी एक कॉलम मैं बनाऊंगा। फिर बच्चे मैंने सोचा कि चलो भैया एक पोस्टेज एंड टेलीग्राम का भी मैं एक कॉलम बनाऊंगा क्योंकि पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स के भी मेरे को ट्रांजैक्शंस दे रखे हुए। फिर एक बच्चे मैंने सोचा एक मैं वेजेस का कॉलम बनाऊंगा और जो मेरा एक और होगा वो किसके नाम का होगा स्टेशनरी का कॉलम होगा। और बच्चे जो रिमेनिंग होगा मैं क्या करूंगा अपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस के कॉलम में डाल दूंगा। तो मैंने ये सोचा कि मैं कुल मिलाकर 6 कॉलम्स बनाने वाला हूँ। ठीक है 6 कॉलम्स एक्सपेंसेस के बनाने वाला हूँ। तो मेरे को ये 6 कॉलम्स को ड्रॉ करना है। ये मैंने क्या करा क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके मैंने सोच लिया कि मेरे को ये 6 कॉलम्स बनाने हैं। तो क्वेश्चन को रीड करते समय आपको ये बहुत अच्छे से समझना है कि आपको कौन सा कॉलम आपको बनाना है तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा क्वेश्चन को रीड करते टाइम। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग क्या करने जा रहे हैं पेटी कैश बुक बनाने जा रहे हैं। पेटी कैश बुक तो मेरे साथ आप लोग भी कॉलम ड्रॉ कर लीजिए। कॉलम कौन कौन से बनेंगे एक तो हो गया बच्चे जो मेरा कॉलम होगा वो हो जाएगा सबसे पहला जो कॉलम होगा मेरा रिसिप्ट का। सबसे पहला कॉलम मेरा कौन सा हो गया रिसिप्ट का। फिर बच्चे यहां पे लिखूंगा मैं डेट वाउचर नंबर पर्टिकुलर्स टोटल कन्वेंस कार्टेज उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम फिर वेजेस स्टेशनरी
और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इतने कॉलम्स मेरे को बनाने हैं। तो चलो बच्चे आप लोग भी लिख लो अब और मेरे साथ कॉलम्स ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे आप लोगों ने भी कॉलम ड्रॉ कर लिया होगा, तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 2019 अप्रैल 1, सबसे पहले बच्चे मेरे को क्या मिला है, कैश मिला है मेरे मेन कैशियर से। मैंने यहां पे लिखा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट और कितना 20,000 रुपीज, मेरे को 20,000 रुपीज का कैश मिला है। किससे मिला है, मेन कैशियर से मिला है। तो मैंने यहां पे लिखा टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज। फिर मैंने क्या करा है, ऑटो फेयर पे करा है अप्रैल 2 को, मतलब बाय कन्वेंस, बाय कन्वेंस कितना पे करा है 500 रुपीज। मैंने यहां पे टोटल कॉलम में भी ये लिख लिया। फिर बच्चे मैंने कार्टेज पे करा है 3 अप्रैल को, तो बाय कार्टेज, बाय कार्टेज कितना पे करा है 2500 रुपीज पे करा है। तो मैंने कार्टेज के कॉलम में 2500 रुपीज लिखा और टोटल के कॉलम में भी 2500 रुपीज लिख दिया। फिर बच्चे अप्रैल 4 में क्या दे रखा हुआ है कि पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम 500 रुपीज, तो मैंने यहां पे लिखा अप्रैल 4 बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना 500 रुपीज, 500 रुपीज। फिर दे रखा हुआ है कि अप्रैल 5 में मैंने वेजेस पे करी है 600 रुपीज की, तो मैंने यहां पे लिखा बाय वेजेस 600 रुपीज, तो ये मैंने टोटल कॉलम्स में भी लिख लिया। फिर मैंने स्टेशनरी के 400 रुपीज पे करें, कब पे करें 5 अप्रैल को, तो बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी कितना 400 रुपीज, 400 रुपीज की मैंने स्टेशनरी पे कर दी। फिर 6 अप्रैल को पेड फॉर द रिपेयर्स टू मशीनरी, मशीनरी के रिपेयर्स में मैंने 1500 रुपए पे करें, कब पे करें 6 अप्रैल को, तो मैंने यहां लिखा बाय रिपेयर्स। और बच्चे मैंने रिपेयर्स के लिए कोई भी कॉलम नहीं बना रखा है, तो मैंने इसको क्या करा मिसलेनियस एक्सपेंसेस के कॉलम में लिख दिया कितना 1500 रुपीज का रिपेयर्स, ठीक है, रिपेयर्स के नाम से लिखा और किस कॉलम में लिखा मिसलेनियस एक्सपेंसेस के कॉलम में लिख दिया। फिर बच्चे बस फेयर मैंने फिर से पे करा, मतलब कन्वेंस, तो बाय कन्वेंस, बाय कन्वेंस। तो बच्चे मैंने कितना कन्वेंस पे करा है 100 रुपीज का पे कर रखा है, तो 100 रुपीज का कन्वेंस मैंने लिख दिया। फिर कार्टेज मैंने पे करी है 400 रुपीज की, तो मैंने लिखा अप्रैल 7 बाय कार्टेज कितना 400 रुपीज, 400 रुपीज। फिर इसके बाद 7 अप्रैल को मैंने पोस्टेज एंड टेलीग्राम का 700 रुपीज पे करा, तो बाय बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम 700। उसके बाद 8 अप्रैल को क्या है, मैंने कार्टेज पे करी है 3,000 रुपीज की, मैंने यहां लिखा अप्रैल 8 बाय कार्टेज, बाय कार्टेज कितने की कार्टेज पे करी है 3,000 रुपीज की, तो मैंने यहां 3,000 रुपीज लिखा और मैंने ये टोटल कॉलम में भी 3,000 रुपीज लिख दिया। उसके बाद अप्रैल 9 में मैंने स्टेशनरी का एक्सपेंस इनकर करा है, तो बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का कितना एक्सपेंस है 2,000 रुपीज का स्टेशनरी का एक्सपेंस है, तो मैंने यहां लिखा 2,000 रुपीज और मैंने यहां पे भी लिखा क्या 2,000 रुपीज। इसके बाद संडे एक्सपेंसेस मैंने कितना पे कर रखा है 5,000 रुपीज का कर रखा है, तो यहां पे लिखा मैंने अप्रैल 10 बाय संडे एक्सपेंसेस, मतलब छोटे मोटे मेरे और भी जो बहुत से एक्सपेंसेस थे उसको मैंने कैसे डिनोट कर दिया संडे एक्सपेंसेस के नाम से, और कितना पेमेंट करा है 5,000 रुपीज का वो भी मैंने लिख दिया। तो बच्चे इतने पेमेंट्स मैंने कर रखे थे तो 10 दिन के टाइम पीरियड में, तो हो सकता है इन लोगों ने 10 डेज का टाइम पीरियड फिक्स कर रखा होगा। 10 डेज का टाइम पीरियड अगर फिक्स कर रखा है तो मैंने यहाँ पे क्या करा टोटल करा, तो बच्चे टोटल कितना निकल के आएगा, टोटल अगर मैं टोटल करता हूँ
तो टोटल आना चाहिए। तो जो ये टोटल आ रहा है वो कितना है, 17,200 रुपीज। कन्वेयंस का टोटल आएगा 600 रुपीज। कार्टेज का टोटल आ जाएगा 5,900 रुपीज। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1,200 रुपीज। वेजेस का 600 रुपीज। स्टेशनरी 2,400 रुपीज और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 6,500 रुपीज। तो बच्चे इतने एक्सपेंसेस मैंने क्या करा है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 डेज मैंने पे करा है, मतलब 10 दिन के टाइम इंटरवल के बीच में मैंने ये सब एक्सपेंसेस इनकर करे। तो मैंने यहाँ पे लिखा 10th अप्रैल बाय बैलेंस कैरी डाउन। मेरे पास टोटल 20,000 रुपीज थे, उसमें से मैंने 17,200 रुपीज पे कर दिए, तो मेरे पास आज के दिन पे कितना बैलेंस होना चाहिए, 2,800 रुपीज होना चाहिए। 2,800 रुपीज का मेरे पास बैलेंस होना चाहिए। ये बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ, आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 11th अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 2,800 रुपीज। और बच्चे मेरे को फिर से कैश रिसीव होगा, तो मैंने यहाँ लिखा टू कैश अकाउंट कितना मिलेगा, कितना कैश मेरे को अब रिसीव होगा। तो बच्चे इस बार मेरे को रिसीव होगा 17,200 रुपीज मेरे को कैश रिसीव होना चाहिए। तो मेरा 17,200 रुपीज का क्या होगा, रिइंबर्समेंट होगा। ये बच्चे जो 2,800 है ये मेरे को इधर साइड लिखना होगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, रिसिप्ट साइड है। शायद लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने 40 रुपीज इधर साइड लिख दिया, तो 40 रुपीज आप लोग इधर ही साइड लिख लो, मतलब हमारे डेबिट साइड में ही 40 रुपीज आएगा। तो 40 रुपीज यहाँ से आप हटा दो, 40 रुपीज यहाँ पे भी आएगा, 60 रुपीज मेरा क्या था लास्ट क्वेश्चन में रिइंबर्समेंट था। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में कितना, 2,800 रुपीज का मेरे पास बैलेंस है और बच्चे 17,200 रुपीज का मेरे को क्या मिल रहा है, रिइंबर्समेंट मिल रहा है। तो बच्चे मेरा जो रिइंबर्समेंट होगा वो मेरे एक्सपेंसेस के बराबर होना चाहिए। तो मेरा एक्सपेंसेस का जो टोटल था वो कितना था, 17,200 का, तो बच्चे उतना ही मेरा क्या हो रहा है, रिइंबर्समेंट हो रहा है अंडर द इम्प्रेस सिस्टम। तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्या करा, सॉल्व कर लिया। अब बच्चे मेरी एक बात समझने की कोशिश करना, अगर ये नॉन इम्प्रेस सिस्टम का केस होता और मैं अपने कैशियर को 20,000 रुपीज का रिइंबर्समेंट करता, तो बच्चे मैं यहाँ पे 20,000 रुपीज लिख देता। तो नॉन इम्प्रेस सिस्टम में जितना भी मैं अमाउंट रिइंबर्स कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे टू कैश करके लिख लूंगा, मतलब मेरा अमाउंट जो होगा, जो मेरा रिइंबर्समेंट होगा, वो मेरे एक्सपेंसेस के बराबर कभी भी नहीं होगा। तो नॉन इम्प्रेस सिस्टम और इम्प्रेस सिस्टम में बस इतना ही फर्क है कि जो मैं यहाँ पे कैश का अमाउंट जो मैं लिखूंगा, जो भी क्वेश्चन में मैंशनड होगा वो अमाउंट मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बस इतना फर्क है इम्प्रेस सिस्टम और नॉन इम्प्रेस सिस्टम में। बस हमें ये चेक करना है क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, इम्प्रेस सिस्टम में कि नॉन इम्प्रेस सिस्टम में। अगर इम्प्रेस सिस्टम का है तो हमारा जो रिइंबर्समेंट होगा वो हमारे एक्सपेंसेस के बराबर होगा, और अगर नॉन इम्प्रेस सिस्टम है तो बच्चे जो भी क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा होगा रिइंबर्समेंट का वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो बच्चे ये हमारी कुछ क्वेश्चंस थे पेटी कैशबुक के जो हम लोगों ने डिस्कस किए। तो बच्चे पेटी कैशबुक का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बच्चे इतना ही होता है, पेटी कैशबुक का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इतना ही होता है। अगर आप लोग चाहो तो जनरल एंट्रीज भी इसमें पास कर सकते हो, जनरल एंट्रीज पास करना भी इसमें बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं इसमें जनरल एंट्री पास करना चाहूँ तो जनरल एंट्रीज क्या बनेंगी, चलो वो भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल एंट्रीज अगर मेरे को पास करनी पड़ी तो क्या क्या मैं पास करूंगा, बच्चे मेरे को बेसिकली 3 जनरल एंट्रीज पास करनी है। एक तो सबसे पहले जो जनरल एंट्री पास होगी, जो मेरे को सबसे पहले अपने कैशियर से जो मेरा मेन कैशियर है, जो भी मेरा मेन कैशियर है उससे जो मेरे को रिइंबर्समेंट मिल रहा है, सबसे पहले तो मैं उसकी एंट्री पास करूंगा। तो अप्रैल 1 मैं क्या लिखता हूँ, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मैंने ये क्या करा, एक जनरल एंट्री पास कर ली। तो कितना मेरे को रिसीव हुआ था, 20,000 रुपीज मेरे को पेटी कैश रिसीव हुआ है, तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से क्या जा रहा है, मेन कैशियर के पास से कैश जा रहा है, तो उसने लिखा टू कैश अकाउंट, और किसके पास जा रहा है, पेटी कैशियर के पास जा रहा है। तो ये एक एंट्री हो गई। फिर बच्चे मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने एक्सपेंसेस का टोटल करा सारे एक्सपेंसेस का अप्रैल 10 को, ठीक है, अप्रैल 10 को मैंने एक टोटल करा, और बच्चे मैं एक ही साथ पूरी की पूरी जनरल एंट्रीज पास कर दूंगा, मतलब
कन्वेंस का मैंने एक्सपेंस निकाला, तो कन्वेंस का जो टोटल आ रहा था कन्वेंस का, तो कन्वेंस अकाउंट डेबिट, कन्वेंस अकाउंट के डेबिट साइड में मैं लिख दूंगा कितना, 600 रुपीज। 600 रुपीज कन्वेंस का एक्सपेंस हो गया। कार्टेज का जो टोटल था 5900 रुपीज का, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट 5900 रुपीज। फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट डेबिट कितना, 1200 रुपीज, क्योंकि ये सब मेरे एक्सपेंसेस हैं, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हें डेबिट कर रहा हूँ। मेरे अगर बिजनेस के एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, उसको डेबिट करता हूँ। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट डेबिट कितना, 1200 रुपीज। वेजेस अकाउंट डेबिट 600 रुपीज। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 2400 रुपीज। मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 6500 रुपीज। टू पेटी कैश अकाउंट, क्योंकि मैंने इसका पेमेंट कहां से किया, पेटी कैश के अकाउंट से करा है, तो मैंने यहां पे लिखा टू पेटी कैश अकाउंट। तो बचे इसका टोटल कितना आ जाएगा, 17200 रुपीज इसका टोटल आ जाएगा। फिर हमें क्या हुआ, 11 अप्रैल को फिर से रिइंबर्समेंट मिला, तो मैं क्या करूंगा, एंट्री पेटी कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अब की बार बचे जो मेरे को मिला है वो कितना मिला है, 17200 रुपीज मिला। तो बचे ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा, मेरे को कैश मिला, मैं फिर से अपने एक्सपेंसेस लिखूंगा, फिर से मैं अपने कैश की एंट्री करूंगा, तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाता है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो हमें क्या करना होगा, ये 3 जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं इन केस ऑफ पेटी कैश बुक। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एडिशनल बताया, जनरली एग्जाम्स में ये सब चीजें नहीं पूछी जाती हैं। अगर बाय चांस आ जाता है तो तभी भी हमें ये चीजें मालूम है कि हम लोग एग्जाम में कर सकें। तो हम लोगों से हो सकता है एग्जाम में पेटी कैश बुक का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सकता है कैश बुक का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगर कैश बुक का क्वेश्चन आता है तो बच्चे ट्रिपल कॉलम कैश बुक का ही आएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बच्चे ट्रिपल कॉलम कैश बुक का ही आएगा, और कैश बुक के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, कैश बुक का क्वेश्चन आज तक CA फाउंडेशन के एग्जाम्स में नहीं आया, मतलब मई 2018 से लेकर नवंबर 2019, मतलब 4 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं और आज तक एक भी क्वेश्चन कैश बुक का नहीं आया। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपके अटेम्प्ट में आ जाए, कैश बुक से रिलेटेड आपके अटेम्प्ट में हो सकता है क्वेश्चन पूछे जा सके। कैश बुक एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एक इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट टॉपिक है, तो हो सकता है कैश बुक से हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक इस टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में। तो इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इस टॉपिक को हमें क्या करना है, अब फिर से एक बार पूरा रिवाइज करना है, क्योंकि ये टॉपिक मेरा आज फिनिश होने को आ गया है। तो सर क्या आज हमें क्वेश्चंस होमवर्क में नहीं मिलेंगे? तो बच्चों की भारी मांग के आगे सर की एक ना चली, और सर ने कहा कि लो बच्चे लो आज का होमवर्क लिखो। तो जो होमवर्क है आप लोगों का वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चे इतने क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, होमवर्क में करना है। इनमें से अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, आपको मेरा मोबाइल नंबर मालूम है, तो आप लोग मेरे को उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले अच्छे से रिवाइज करना होगा, जितने भी क्लास में मैंने क्वेश्चंस करे हैं पहले आप वो करिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस होमवर्क वाले सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो कैश बुक का टॉपिक आज हमारा यहाँ पे फिनिश होने को आ गया है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करना चाहूंगा। तो चलो बच्चों, थैंक यू गाइस सो मच, गुड नाइट, सी यू, टाटा, बाय बाय।